नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टेट 2024 का संपूर्ण शिक्षण कला यानी कि आर्ट ऑफ टीचिंग के जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, यानी कि आपके 2023 में, 2019 में हुआ था, उसी का फिर 2020 में भी हुआ था, वो सभी क्वेश्चन जो आपको है वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, इसके लिए आपका ये जो वीडियो सीरीज है इसमें 4 से 5 वीडियो आएंगे, जिसमें एक एक करके देखिए, इस पार्ट वन है ये, वैसे ही पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, आपका 4 से 5 पार्ट आएंगे इसके, जिसमें आपको जितने भी, ताकि आपको पता है 25 से 30 पेपर लगभग हैं, जिसमें सब में 30 30 क्वेश्चन आए हैं, तो सबका फैक्ट के साथ डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, आपको एलिजिबिलिटी का आपका फॉर्म भर चुके होंगे, बाकी इस पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा ज़्यादा, इसके आगे चलते हैं। देखते हैं, हाँ, आपको कितना मिनिमम पासिंग मार्क्स चाहिए? तो मिनिमम पासिंग मार्क जो है ऑन रिजर्व का आपको 75 नंबर चाहिए, यानी कि 50% आपको पता है। मैं बीसी का जो है ये देखिए, ऑन रिजर्व में आपका अदर स्टेट के चाहे जितने भी हैं सब ऑन रिजर्व में ही आएंगे, यानी कि उनको 150 में से 75 नंबर लाना है। बीसी को आपको 68.5 नंबर लाना है, ईबीसी को 63.75, एससी एसटी को 60 मार्क्स, और पीएच को 60, ईमेल चाहे वो ऑन रिजर्व के ही हो चाहे किसी भी कैटेगरी के, उनको 60 नंबर लाना है। तो आपको ये, तो आप मान के चलिए कि इतना आपका मिनिमम कट ऑफ है, अब इससे ज़्यादा ही लाना। आप मान के चलिए कि आपको 100 टारगेट लेकर चलिए कि 150 में 100 आराम से आ जाता है, मेरा 128.65 आया है, तो आप भी ला सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए, ये जो इसका पैटर्न है वो आपको पता है, सब्जेक्ट से आप जिस सब्जेक्ट से भरें, चाहे स्टेट पेपर वन भरें चाहे स्टेट पेपर टू, आपको 100 मार्क्स उससे रहेगा सब्जेक्ट से, और 50 मार्क्स में आपका आर्ट ऑफ टीचिंग आएगा, और अदर स्किल्स में आपका मैथ, रीजनिंग, जी के जी एस जो है वो 20 क्वेश्चन आएंगे। आर्ट ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण कला से आपका 30 क्वेश्चन आएगा, 30 मार्क्स का, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है। तो मैं ये जो 30 क्वेश्चन है इसके लिए आपका ये वीडियो सीरीज लॉन्च किया हूँ, जो कि पूरा फ्री है, आप आराम से इसको देखिए। ये सिलेबस आर्ट ऑफ टीचिंग का, यहाँ से आप देख सकते हैं, टीचिंग लर्निंग मीनिंग प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स, टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स, और ये ब्लूम टेक्सोनॉमी, टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, लेसन प्लान, माइक्रो टीचिंग, और इफेक्टिव इको सिस्टम ऑफ क्लासरूम, टेक्स्ट बुक्स एंड लाइब्रेरी, क्वालिटी ऑफ टीचर, इवेल्युएशन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग है, यहाँ से आपकी एक होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, वो सब चीज़ें इसमें देखेंगे। करिकुलम और सिलेबस ये भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, ये सब चीज़ें हैं। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग, मतलब टीचिंग और लर्निंग पे क्या क्या किसका किसका प्रभाव पड़ता है, टीचिंग एड्स क्या क्या हैं, और हैंड ऑन लर्निंग, ये सारी ये आपका सिलेबस है, इसी से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अभी देखिए यहाँ से आप, अब टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप क्या है, सबसे पहले तो यहीं से शुरुआत होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच कैसा संबंध होना चाहिए। तो देखिए, इफ अ टीचर हैज़ अ गुड रिलेशनशिप विथ स्टूडेंट्स, देन स्टूडेंट्स विल मोर रेडली एक्सेप्ट द रूल एंड प्रोसीजर एंड द डिसिप्लिनरी एक्शंस डेट फॉलो देयर वायलेशंस। देखिए, टीचर का स्टूडेंट के साथ बहुत ही अच्छा संबंध होना चाहिए। देखिए, कहा जाता है कि मैत्रीपूर्ण भाव से रहना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं आराम से, ये सब लोग हैं बिना टेंशन का, यहाँ पे जो शिक्षिका हैं वो इनको बता रही हैं। इस हिसाब से टीचर का रिलेशनशिप एक स्टूडेंट के साथ बहुत ही अच्छा होना चाहिए, ये पहला पड़ाव होता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। अब देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए, यदि आप ये चीज़ें ध्यान में रखें तो आराम से आप पास तो हो ही जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कॉमन सेंस लगाएंगे तो हो जाएगा, लेकिन अगर आप इन बिंदुओं को नहीं जानते रहेंगे तो फिर आप वहीं गलत करेंगे, आपको लगेगा कि सब ऑप्शन सही है और गलत लगा के आ जाएंगे। तो आप कुछ चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो आराम से आपका, बिना बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप 30 क्वेश्चन में 25+ ला सकते हैं, कोई ज़्यादा उसमें टेंशन की बात नहीं है। आप कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान दीजिए, जैसे ये पॉजिटिव कीवर्ड है, ये कहीं दिखे तो समझिए कि ये सही ऑप्शन है, हम थोड़ा सा ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि केवल दिखते ही लगा दीजिए, लेकिन जनरली देखा जाता है कि ये जो वर्ड आपको दिख जाए, जैसे बाल केंद्रित शिक्षा को या समावेशी शिक्षा, रुचि या जिज्ञासा से संबंधित, ये सब पॉजिटिव कीवर्ड हैं, ये लगभग ऑप्शन सही ही होते हैं। प्रयोग विधि हो गया, करके सीखना, ये तो आपको बहुत ऑप्शन में दिखेगा, करके सीखना मतलब बच्चों को, उनको खुद करके सीखने पर ज़्यादा जोर देना चाहिए, छात्र की भागीदारी ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि उनकी सहभागिता ज़्यादा होना चाहिए, समझ और अवबोध पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि उनकी समझ विकसित कर सकें बच्चों का। प्रेरित करने पे आपको, मतलब टीचर का गुण ये होना चाहिए कि बच्चों को प्रेरित करें। फॉर्मेटिव इवेल्यूशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट भी इसे कहा जाता है, ये क्या होता है, फॉर्मेटिव
और समेटिव दो चीज़ें होती हैं, इसमें अभी देख लेते हैं इसको नीचे भी। अब जब क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ बता देंगे। फॉर्मेटिव का होता है जैसे कि आप जब पढ़ाने के दौरान ही बच्चों को असेसमेंट करते हैं, मतलब उनका मूल्यांकन करते जाते हैं, तब तो उसे कहते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट। वहीं समेटिव होता है जब जब पूरा जो एक 1 ईयर का ख़त्म हो जाता है उसके बाद आप उनका इवेल्यूशन करते हैं, मतलब मूल्यांकन करते हैं। जैसे ईयरली एग्जाम जो होता है, वार्षिक परीक्षा, तो वो समेटिव इवेल्यूशन के अंदर आता है। तो ज़्यादातर फोकस करना चाहिए फॉर्मेटिव पर, यानी कि जिस दौरान आप पढ़ा रहे हैं उसी दौरान उनका इवेल्यूशन या असेसमेंट, मतलब मूल्यांकन, उसी समय ज़्यादा प्रभावी होता है। और देखिए निगेटिव कीवर्ड्स में आपको ये ध्यान देना है कि आप दंड देना कहीं दिख जाए तो ये समझिए गलत है, आपको दंड नहीं देना है। बच्चों को एकदम मतलब सर्वोपरि रखना है, आपको नीचे उनका दास बनकर रहना है, ऐसे समझिए। अगर पास होना है परीक्षा तो बच्चों को सबसे ऊपर रखिए और खुद उनका दास बनिए, मतलब उनका सेवक बनकर रहिए। ये दिमाग में रखेंगे तो आप आराम से ये जो टीचिंग लर्निंग का है क्वेश्चन आराम से कर लेंगे कि बच्चे सब कुछ है, ऐसा मान के चलिए। अब इसमें रटने पर जोर नहीं देना है, ये नहीं कि रटवाना है। पहले जैसे हम लोगों को पहाड़ा है और ये सब रटवाया जाता था, तो वो वाले पर अब जोर नहीं दिया जाना चाहिए। तो याद भी नहीं कराना है आपको, आपको केवल उनके अंदर समझ विकसित करनी है, आपको याद कराने पर जोर नहीं देना है। मानक पद्धति जो स्टैंडर्डाइज्ड मेथड होते हैं, जो पहले से चले आते रहे हैं कि मतलब इतने समय में ये करो, इस घंटे के बाद ये पढ़ाई होना चाहिए, इस घंटे में केवल यही पढ़ना है, कुछ दूसरा काम नहीं करना है, खेलना नहीं है, तो ये सब मानक पद्धति, मतलब जो पुराने जो मेथड रहे हैं अब तक जिस हिसाब से हम लोग पढ़े हैं, व्याख्यान जो आपका जैसे व्याख्यान विधि हो गया जिसमें लेक्चर दिया जाता है, वो स्टैंडर्डाइज्ड मेथड है, जो कि ये अब धीरे धीरे इस पर जोर नहीं दिया जा रहा है। तो ये जहाँ पे आपको दिखे तो समझिए कि ये निगेटिव है, यानी कि ये गलत माना जाएगा। कॉम्पिटेटिव आपको नहीं कराना है, प्रतिस्पर्धा मतलब बच्चों के बीच आपको कंपटीशन नहीं कराना है, ये भी निगेटिव में ही आता है। अब दृढ़ पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, मतलब कि पाठ्यक्रम आपका लचीला होना चाहिए। और स्केलिंग या ग्रेडिंग आपको नहीं करना है, मतलब बच्चों को ये नहीं करना है कि तुम ज़्यादा तेज हो तुम कम तेज हो, ये ग्रेडिंग उनको नहीं देना है कि तुम ए ग्रेड में हो तुम बी ग्रेड में हो, ऐसा ग्रेडिंग और स्केलिंग वाला भी आपको निगेटिव में ही आता है। रैंकिंग भी आपको नहीं करना है कि इसका रैंक 1 है इसका रैंक 2 है, तो ये रैंकिंग भी आपका निगेटिव में ही आता है, मतलब इस पर अब कम फोकस किया जा रहा है धीरे धीरे, इधर वाला जो है इस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। वही समेटिव वैल्यूएशन अभी बताया कि ये एग्जाम जो लास्ट में होता है, इसे हम लोगों के समय अभी भी होता ही है, इस पे धीरे धीरे अब कम किया जा रहा है। अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम करना होता है और ये सब चीज़ें, ये जो कि वार्षिक परीक्षा हुआ करते थे पहले, वो समेटिव वैल्यूएशन का एक एग्जाम्पल है। तो इस पे फोकस नहीं करना है, ये जहाँ दिखे तो ये निगेटिव है, ये गलत रहेगा। और ये सब जहाँ दिखे वो समझिए कि वो ज़्यादातर केसेस में यही सही रहेंगे, बाकी और भी आप ऑप्शन थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है, ये सेट वाइज है, एक एक सेट का, एक सेट में आपको पता है 30 क्वेश्चन है, तो ये सेट 1 है, वैसे सेट 2। इस पूरे पीडीएफ में जो आज के वीडियो है इसमें आपको 4 सेट का मैं कराने वाला हूँ, यानी कि 120 क्वेश्चन, तो अंत तक देखते रहिए। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, अधिगम प्राकृतिक क्रिया है, किसका है अधिगम? अधिगम को इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं, तो जिनको एकदम नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वहाँ पे ऑनलाइन पेपर होगा तो उसमें आप हिंदी इंग्लिश दोनों कर सकते हैं। तो जिस क्वेश्चन में आपको हिंदी न समझ में आए उसका इंग्लिश करके देख लीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा। अधिगम माने लर्निंग, तो लर्निंग का प्राकृतिक क्रिया है किसका, मतलब किसका गुण है सीखना, शिक्षार्थी का, कि शिक्षक का, कि व्यक्ति का, कि जीवित प्राणी का, इसमें सबसे उत्तम चुनना है। देखिए है तो सबका, सब सीखते हैं ना, शिक्षार्थी भी सीखता है, शिक्षक भी सीखता है, व्यक्ति भी सीखता है, जीवित प्राणी भी सीखता है, तो इसमें से कौन ज्यादा उत्तम आपको विकल्प दिख रहा है? देखिए जीवित प्राणी अगर लगा दें तो ये तीनों जो ऊपर वाले हैं वो इसी में आ जाएंगे, ये सब जीवित प्राणी ही हैं, तो मतलब इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, जितने भी जीवित प्राणी है वो सब सीखते हैं, मतलब सब के अंदर अधिगम का गुण होता है, अधिगम प्राकृतिक, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, अधिगम प्रक्रिया का अंतः क्रिया घटक है उच्च स्तर सोच, ध्यान, स्मृति, तो ये अंतः क्रिया मतलब उसके आंतरिक जो फैक्टर हैं वो कौन से हैं अधिगम के, मतलब सीखने के, तो ये तीनों होना चाहिए, उच्च स्तर सोच भी होना चाहिए, ध्यान भी उसके अंदर होना चाहिए, और स्मृति, स्मृति माने मेमोरी, ये सभी चीज़ें होंगी। तो एक चीज़ और यहाँ से आप दिमाग लगा लीजिए कि जहाँ पे ये सभी वाला है ना, अधिकतर केस में मतलब मान लीजिए 90% केस में आपको ये सभी जो है ऑप्शन ये वाला ही सही होता है। अब ये नहीं कि एकदम मैं कह दिया कि ये सभी वाला सही होता है, हर जगह बिना देखे मार दीजिए, ऐसा नहीं है,
लेकिन अधिकतर मैं 90% केस में कह रहा हूँ कि ये सभी वाला ऑप्शन सही होगा। तो ये भी थोड़ा ट्रिक होता है कुछ, जिससे आपका नंबर ठीक ठाक आ जाता है। सीटेट में भी मैं यही किया, पेपर 1 पेपर 2 भी मेरा, अभी मैं शुरू में देखे भी होंगे कि 100 मेरा 24 और 126 है सीटेट पेपर 1 और 2 में। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इसमें। ये सभी वाला ज़्यादातर ऑप्शन सही होते हैं, तो जहाँ पे एकदम आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पे लगा दीजिए ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण है, संज्ञानात्मक माने कॉग्निटिव टीचिंग का, तो प्रथम चरण क्या होता है? सूचना, समझ, विश्लेषण या मूल्यांकन? देखिए मूल्यांकन तो अंतिम चरण होता है, सबसे अंत में मूल्यांकन किया जाता है, इवेल्युएशन। सबसे पहला जो होता है वो होता है सूचना, तो इसका ऑप्शन जो है आंसर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या है? अनुदेशात्मक उद्देश्य, विशिष्ट, मापन योग्य या क्रिया केंद्रित या ये सभी? देखिए मैं अभी कहा कि ये सभी वाला ज्यादातर ऑप्शन आपको यही सही मिलेगा। इसका भी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अनुदेशात्मक। अनुदेशात्मक का मतलब होता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये इसका जो विशिष्ट होना चाहिए, मापन योग्य होना चाहिए और क्रिया केंद्रित होना चाहिए। देखिए मैं पहले ही बताया था उसमें पॉजिटिव कीवर्ड्स में कि क्रिया केंद्रित पे ज्यादा मतलब करके सीखने पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो ये तो सही होगा ही जहाँ पे हो। ये सभी इसका ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ब्लूम का वर्गीकरण की शुरुआत हुई, कहाँ से शुरुआत हुई? ब्लूम का वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ पे साफ साफ सिलेबस में आप देखे हैं, मैं ऊपर बताया नाम ये पूरा लिखा हुआ, तो इसके बारे में आप सही से पढ़ लीजिएगा। मैं इसमें भी बता दूंगा कुछ ना कुछ इसके बारे में, मतलब आपके एग्जाम के दृष्टि से तो इतना हो ही जाएगा इसमें, केवल वीडियो ही देख लेंगे तो। देखिए ब्लूम का वर्गीकरण का शुरुआत जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था? शिकागो विश्वविद्यालय से। कब हुआ था ये भी एग्जाम में पूछता है, कि 1956 में। तो आपको ये भी ध्यान देना है कि जो ब्लूम का वर्गीकरण है वो कब आया था। इसको इंग्लिश में ब्लूम टेक्सोनॉमी कहा जाता है, तो कहीं कहीं हिंदी में भी लिख देगा कि ब्लूम टेक्सोनॉमी। तो आपको ये जानना है कि ये कहाँ शुरुआत हुआ, शिकागो विश्वविद्यालय से कब हुआ, तो 1956 में। अब इसको भी ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में आता है। और देखिए ये है ब्लूम का वर्गीकरण, और ये आया था 1956 में ब्लूम का वर्गीकरण, और इसको रिवाइज किया गया, मतलब संशोधित जो इसका आया वर्गीकरण उसको कहते हैं रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी। जो किसने किया था रिवाइज? एंडरसन ने किया था। ये भी एग्जाम में पूछता है कि इसका रिवाइज्ड जो है वर्गीकरण वो किसने किया, तो एंडरसन ने किया था। कब किया था? 2001 में किया था। अब इसमें देखिए चेंज किया है, यहाँ से देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सही से देखिएगा, इसको सेव कर लीजिएगा। बाकी PDF मैं दे दूंगा, ये पूरा ऐसे ही एकदम आप वहाँ से देख सकते हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, इधर टेलीग्राम ये लिखा हुआ है। देखिए इसमें ब्लूम ने क्या क्या दिया था, यहाँ से शुरू होता है पहला नंबर से। सबसे पहले इसने दिया था नॉलेज, फिर कंप्रहेंशन, फिर अप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवेल्युएशन। ये ब्लूम ने दिया था, यहाँ शुरू होता है और ये अंत में इवेल्युएशन होता है। लेकिन इसने क्या क्या चेंज किया एंडरसन ने, तो इसने जो ये सब है, ये अगर देखेंगे नाउन पढ़े होंगे तो ये नाउन है सब, नाउन माने संज्ञा है। और ये सब क्या किया एंडरसन ने, इन नाउन को बदल के ये वर्ब बना दिया, यानी कि क्रिया बना दिया। अब इसने क्या क्या चेंज किया, तो नॉलेज के जगह पे इसने रिमेम्बर कर दिया, रिमेम्बर माने याद करना, नॉलेज माने ज्ञान। वहीं कंप्रहेंशन के जगह पे इसने यूज किया अंडरस्टैंड, अप्लीकेशन के जगह पे इसने अप्लाई कर दिया, वही अप्लाई का ही नाउन अप्लीकेशन होता है। एनालिसिस का इसने चेंज करके वर्ब बना दिया एनालाइज। वहीं सिंथेसिस का, सिंथेसिस को देखिए ये इवेल्युएशन ऊपर दिख रहा है, इसका ये जो है वर्ब इवेल्युएट है, यानी कि ऊपर जो चला ये है पहले से, इसको ये पहले रख दिया और बाद में किसको कर दिया, सिंथेसिस को चेंज करके क्रिएट बना दिया। सिंथेसिस माने संश्लेषण होता है, संश्लेषण को बदल के इसने क्या कर दिया, क्रिएट, क्रिएट माने निर्माण करना। तो एग्जाम में ये भी पूछता है कि सिंथेसिस के जगह पर उसने क्या परिवर्तन किया, मतलब संश्लेषण के जगह पे उसने क्या बदल दिया, किससे रिप्लेस कर दिया, तो ये क्रिएट से यानी कि निर्माण से। इसको भी ध्यान दीजिए, एग्जाम में अभी पूछता है, मैं यहाँ लिख दिया हूँ संश्लेषण को किससे विस्थापित किया वो, तो निर्माण से। हिंदी में ये है, इंग्लिश में सिंथेसिस को क्रिएट से। बाकी यहाँ भी देख लेंगे, अगर पूरे नॉलेज को किससे विस्थापित किया, तो नॉलेज से रिमेम्बर, मतलब नॉलेज को रिमेम्बर से विस्थापित किए। वहीं कंप्रहेंशन को अंडरस्टैंड से। तो ये पूरा आपको याद रहना चाहिए ऐसे, ये पहला चरण ये है नॉलेज, फिर ऐसे करते हुए अंत में आता है इवेल्युएशन। इसके में ब्लूम्स ने जो 1956 में आया था, और एंडरसन ने 2001 में दिया था रिवाइज्ड ब्लूम टेक्सोनॉमी, तो उसमें पहले रिमेम्बर आता है और ऐसे करते करते अंत में क्रिएट आता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। शिक्षण के आधुनिक विधि की विशेषता है, आधुनिक विधि की विशेषता शिक्षण के, क्रिया केंद्रित, अन्योन्य क्रिया,
और समकक्ष सहयोग, देखिए सहयोग तो आपका पॉजिटिव है वैसे ही, ये तो सही होगा। क्रिया केंद्रित ये भी पॉजिटिव है, मैंने बताया कर के सीखने पर जोर दिया, तो मतलब दो तो ही हो ही गया। तो आपको ये अगर ना भी पता हो अन्योन्य क्रिया, तब भी आप उपरोक्त में से सभी, वैसे मैंने बताया था ज्यादातर केसेस में उपरोक्त सभी सही होता है। इसका भी कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। अन्योन्य क्रिया माने होता है म्यूचुअल इंटरेक्शन, मतलब एक दूसरे से बातचीत करके सीखना, ये सब ये भी आजकल का है ही, तो ये इसमें से सभी सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, आगमन विधि प्रोत्साहित करती है या करता है। आगमन विधि आपको पता है इंडक्टिव मेथड इसे इंग्लिश में कहा जाता है, निगमन विधि को यहाँ देखिए पहले इसको, इसका पूरा आगमन विधि और निगमन विधि आपको सही से आना चाहिए, ये एग्जाम में बहुत पूछता है। आगमन विधि को कहते हैं इंडक्टिव और निगमन को डिडक्टिव कहा जाता है इंग्लिश में। इसमें होता क्या है, अब ये सीधे पूछा है कि ये किसको प्रोत्साहित करता है, छात्र की भागीदारी को या रुचि को या कर के सीखो या उपरोक्त सभी। अभी मैंने बताया था इसको कि उपरोक्त सभी में से जनरली कौन सही होता है, उपरोक्त सभी होता है। इसमें छात्र की भागीदारी भी होती है, रुचि भी होती है, कर के सीखो। ये होता क्या है, इसको देख लीजिए, आगमन विधि, आगमन विधि में होता क्या है कि पहले इसको और कहा जाता है कि विशिष्ट से सामान्य की ओर, या खोज विधि भी कहा जाता है। आगमन विधि इसमें क्या होता है, ये खोज विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सबसे पहले विशिष्ट होता है, उसको बदल के सामान्य में कर दिया जाता है, या फिर पहले एग्जाम्पल उसके बाद क्या बना दिया जाता है, रूल बना दिया जाता है। तो ये भी कहीं हो जाता है, बाकी इसके बारे में और आगे मैं चर्चा करूंगा पूरा डिटेल में, वहां देख लेंगे। और रोल प्ले विधि की कमजोरी क्या है, रोल प्ले विधि मतलब आप देखें हो कि रोल उससे जो नाटक वोटक होता है, तो उसके पूछ रहा है कि उस विधि में की क्या कमजोरी है। तो रोल प्ले विधि की कमजोरी क्या है, ध्यान केंद्रण का अभाव, नीरस विधि, देखिए नीरस विधि तो नहीं होगा, जाहिर सी बात है रोल प्ले आप नाटक करते हैं तो नीरस तो नहीं होता है, उसमें तो मजा आता है, तो ये तो नहीं होगा, बी ऑप्शन इसका नहीं होगा। अधिगम प्रक्रिया की गति धीमी, देखिए ये इसका जो आंसर दिया गया आयोग द्वारा वो थोड़ा सा मुझे ज्यादा समझ नहीं आया। देखिए इसमें जो रोल प्ले में तो समय का क्षय होता है, जाहिर सी बात है बहुत थोड़े से ज्ञान के लिए हमको पता है समय ज्यादा लगता है, उसको बहुत समय तक प्रैक्टिस कराया जाता है, फिर उसको कराया जाता है, तो समय का भी क्षय होता है। अधिगम की प्रक्रिया धीमी होती है, जाहिर सी बात है इसमें मतलब बहुत, अगर सोचें कि पूरा सिलेबस मैं खत्म करूँ नाटक करा करा के, तो फिर ऐसा संभव नहीं है, इसकी प्रक्रिया धीमी होती है। तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। ध्यान केंद्रण का अभाव, ये तो बी तो गलत है, ध्यान केंद्रण का अभाव ऑप्शन इसका जो आंसर आयोग द्वारा दिया गया है वो पहला दिया गया है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, लेकिन इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा थोड़ा सा और। ये तो मुझे सही लग रहा है कि अधिगम की प्रक्रिया इसमें धीमी होती है, समय का भी क्षय होगा, नीरस विधि नहीं है, ये तो गलत है। ध्यान केंद्रण का अभाव ऑप्शन ये दिया गया है ए, इसके थोड़ा सा आप रिसर्च कर लीजिएगा खुद से भी। पाठ योजना निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है, अधिगम उद्देश्य, विद्यालय का उद्देश्य, प्रधानाध्यापक का उद्देश्य, या प्रबंधक निकाय का उद्देश्य, मतलब पाठ योजना आप बनाते हैं लेसन प्लान, तो क्या निर्धारित करता है, आपको पता है लर्निंग का ही उद्देश्य जो होगा वही बताएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, विद्यालय का उद्देश्य नहीं लर्निंग का, पाठ योजना इसीलिए बनाया जाता है। अब देखिए 5E मॉडल विकसित हुआ था किसके लिए, व्यवहारवाद के लिए, रचनात्मकतावाद के लिए, क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए, या प्रगतिवाद के लिए। तो 5E मॉडल में पहले दिए जाने के, 5E का क्या मतलब है, 5E यानी कि 5 ई होगा। अब ई कहाँ से, ये लिखा हूँ इधर, इंगेज पहला ई से, फिर ई से एक्सप्लोर, फिर एक्सप्लेन, इलेबोरेट और अंत में इवेलुएट। ये किस मॉडल पर, इसका मॉडल जो है विकसित हुआ था किसके लिए, ये क्रिएटिव थिंकिंग के लिए हुआ था, यानी कि रचनात्मकतावाद के लिए ये इसका विकास हुआ था। अब इसमें ये भी पूछ लिया कि 5E मॉडल में कौन सा है, जिसे अब मान लीजिए इसी क्वेश्चन को अगर बदल के पूछना चाहे वो, तो क्या पूछ सकता है कि 5E मॉडल में कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो इसमें से मान लीजिए कि एक ऑप्शन दे दिया और बाकी के 3 ऑप्शन दूसरा दे दिया, तो आपको ये पूरा याद रहना चाहिए कि ई से क्या क्या है, इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट और इवेल्युएट। तो आप इसका जो इंग्लिश वर्जन है वो देखिएगा, अगर ऑनलाइन एग्जाम में ये ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ताकि आपको ई से समझ में आ जाए कि ये क्या क्या, बाकी इसका नाम आप याद रख लीजिए। ये इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। ये 11 नंबर देखिए, सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य है, सूक्ष्म माइक्रो टीचिंग, तो इसका क्या उद्देश्य है, माइक्रो टीचिंग आपको पता है, आप किए होंगे, BA किए होंगे, तो उस समय कराया जाता है माइक्रो टीचिंग। तो ये किसके लिए कराया जाता है, शिक्षक के लिए या बच्चों के लिए कराया जाता है। तो आप वहाँ पे अगर BEd कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे शिक्षक के तौर पे हैं, तो ये आपके लिए होता है, यानी कि जो BEd के अभ्यर्थी हैं उनके लिए होता है माइक्रो टीचिंग।
ये किसके लिए है? शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये सही है, छात्रों के लिए नहीं होता है ये, इसके लिए होता है शिक्षकों के लिए होता है, शिक्षण कौशल का विकास करने के लिए, ऑप्शन इसका ये सही है। वही देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अनुदेशन प्रदान किया जाता है, अनुदेशन माने इंस्ट्रक्शन, तो ये कहाँ प्रदान किया जाता है? देखिए अनुदेशन इंस्ट्रक्शन आपको पता है ये जनरली कक्षा के अंदर होता है, आपका टीचिंग से संबंधित जो पाठ्यक्रम का ज्ञान है उसका आदान प्रदान के लिए, तो ये जो है ये कक्षा के अंदर ही किया जाता है, प्रार्थना स्थल पर नहीं, सर्वत्र नहीं, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अंतः क्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया है, तो अंतः क्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया क्या है? अंकन प्रक्रिया, अंकन अर्थापन प्रक्रिया, या ए और बी दोनों उपयुक्त में से कोई? देखिए यदि ये कुछ चीज समझ में आ रहा है तो ज्यादातर क्वेश्चन अगर ऐसा दिया है तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेकिन इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। अंतः क्रिया विश्लेषण ये इसका क्या मतलब है, अगर इसका पूरा नाम पढ़े, ये फ्लैंडर ने दिया था इसलिए इसका जो पूरा नाम होता है फ्लैंडर्स की अंतः क्रिया विश्लेषण, तो अगर ऐसे आप याद रखेंगे फ्लैंडर्स का अंतः क्रिया विश्लेषण तो आपको वो भी याद हो जाएगा, होता है इसीलिए अगर ऐसा कुछ है कहीं पे तो डायरेक्ट आप ऐसे पूरा नाम सहित याद कीजिए कि फ्लैंडर्स का अंतः क्रिया विश्लेषण। तो इसमें क्या क्या बताया गया, तो इसके अंदर बताया गया कक्षा के अंतर्गत शाब्दिक आदान प्रदान का निरीक्षण तथा अंकन, अगर अंतः क्रिया विश्लेषण की बात किया है तो इसमें कक्षा के अंतर्गत जितने भी शाब्दिक मतलब शिक्षण संबंधित आदान प्रदान होते हैं उनका निरीक्षण और अंकन इसमें संबंधित है, तो अंकन यहाँ पे दिख रहा है यानी कि ये दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा स्थापित करना उदाहरण है, मतलब आप कक्षा स्थापित करते हैं तो इसका कि ये किसका उदाहरण है? कक्षा प्रबंधन का कि अनुशासन का कि नियम का कि उपयुक्त में से कोई नहीं? जाहिर सी बात है आप कक्षा स्थापित कर रहे हैं यानी कि कक्षा प्रबंधन का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को चाहिए, समावेशी शिक्षा की भी बात किया जाता है, ये भी पॉजिटिव, अगर कहीं ये भी दिख जाए तो आपको ये मान लेना कि ये सही होता है, पॉजिटिव होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर ये आता है, बहुत इस पर आजकल चर्चा भी होता है इंक्लूसिव एजुकेशन, तो इसमें एक शिक्षक को क्या चाहिए? छात्रों के संस्कृति अंतर की उपेक्षा करे, उपेक्षा तो एकदम नहीं करना है, चाहे वो किसी भी संस्कृति से है, संस्कृति से संबंधित छात्रों को बढ़ावा दे, मतलब ये भी अभी थोड़ा देख लेते हैं नीचे भी तब ज्यादा समझ में आ रहा है। देखिए ये साफ साफ है किसी को बढ़ावा नहीं देना है, आप चाहे भले वो किसी भी संस्कृति से आए, वो किसी भी बैकग्राउंड से आए, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, सबको एक साथ रख के एक जैसे शिक्षा देना है, उसी को समावेशी शिक्षा कहा जाता है। यहाँ से ऑप्शन सी देखिए, सभी संस्कृतियों का सम्मान एवं महत्व दें, ये ऑप्शन सी इसका ज्यादा सही विकल्प दिख रहा है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, समावेशी कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान एवं महत्व दिया जाना चाहिए, किसी को बढ़ावा नहीं देना है ना किसी को उपेक्षा करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है, और पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन किस पर निर्भर करता है? शिक्षा का उद्देश्य विषय वस्तु की रचना एवं प्रस्तुतिकरण, अभिविन्यास एवं रचना। देखिए जाहिर सी बात है पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन आप किस पर निर्भर करेगा, शिक्षा के उद्देश्य मतलब जो उद्देश्य है आपका शिक्षा से उसके आधार पे ही पाठ्य पुस्तक होना चाहिए, उसमें कौन कैसी रचना है क्या प्रस्तुतिकरण है उस पे भी से उसके लिए ये जो बुक्स हैं वो मान्य रखती हैं, और अभिविन्यास मतलब उसमें किस तरह से आपका प्रस्तुतिकरण है मतलब किताब के अंदर जो है वो किस तरह से चीजें बनाई गई हैं और उसकी रचना क्या है, तो ये सब चीजों एक मायने रखता है किताब कैसी होनी चाहिए, तो यही पूछ रहा है कि अच्छी किताब अगर कहा जाए तो क्या क्या उसके गुण हो, तो ये उस शिक्षक के साथ उसका जो उद्देश्य है उसके साथ वो मैच खानी चाहिए, उसका जो विषय वस्तु है वो अच्छा होना चाहिए, प्रस्तुतिकरण बढ़िया होना चाहिए, अभिविन्यास उसका रचना वो सब, तो ये ऑप्शन इसका डी है उपयुक्त सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुस्तकालय का उद्देश्य, पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी का क्या उद्देश्य है? ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए, खेल प्रदान करने के लिए, तो किस लिए लाइब्रेरी होता है? खेलने के लिए होता है लाइब्रेरी? नहीं, तो ऑप्शन बी तो ऐसे गलत हो जाएगा, अब ये नहीं कि मैं कहा था कि जहाँ ये भी दिखे वहाँ सी लगाना, तो ऐसे नहीं, थोड़ा सा पढ़ना भी है, तो लाइब्रेरी जो होता है वो पुस्तक के जो ज्ञान और सूचना के लिए ही लाइब्रेरी बनता है, तो ऑप्शन क्या होना चाहिए इसका? ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रभावी शिक्षक हैं, प्रभावी शिक्षक का क्या गुण होना चाहिए? जो कक्षा पर नियंत्रण करता है, नियंत्रण आपको नहीं करना है ना, आप नियंत्रण नहीं करेंगे, आपको केवल वहां पे गाइडेंस देना है, जो सीमित अवधि में जानकारी प्रदान कर सकता है, जो
छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित। देखिए मैंने कहा था जहाँ प्रेरित दिख जाए वो पॉजिटिव होता है, तो ये इसका ज्यादा ऑप्शन जो सही दिख रहा है वो सही है। मतलब तो आपको केवल छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना है, ये नहीं कि उन पर नियंत्रण नहीं करना है आपको। चलिए तो इसका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षण का आनंद ले सकता है जब वह, मतलब आप शिक्षण के का आनंद कब ले सकते हैं यदि आप एक शिक्षक हैं, तो अपने सहयोगियों से अधिक योग्य हों, या फिर छात्रों से सम्मान पाकर, या उच्च अधिकारियों के काफी करीबी हों, तो इसमें से कौन आपको सही दिख रहा है, तो कब आप ज्यादा आनंद ले सकते हैं। इसका ऑप्शन होगा बी, छात्रों से सम्मान पाकर। ये आपका यदि अधिक योग्य है तो इसका कोई मायने नहीं, आप कितने आप छात्र आपसे संतुष्ट हैं वो मायने रखता है। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए। मतलब अगर कोई आपको एकदम उत्तम शिक्षण करना है तो एकदम निचले स्तर तक कहाँ तक आपको शिक्षण करना चाहिए, अवबोध स्तर तक, या चिंतन स्तर तक, स्मृति स्तर तक, या मूल्यांकन स्तर तक। तो आपको अवबोध यानी कि समझ तक, मतलब आपको इतना करना है कि उस बालक के अंदर समझ विकसित हो जाए, यहाँ तक आपको उसको पढ़ाना है शिक्षण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन आपको पता है इवेल्युएशन या असेसमेंट, ये क्या है? मात्रात्मक है कि गुणात्मक है, कि प्रयोग दोनों है, कि इसमें से कोई नहीं? तो आपको पता है मूल्यांकन दो तरह से होते हैं, मात्रात्मक भी हो सकता है और गुणात्मक भी हो सकता है। गुणात्मक का क्या मतलब है? जैसे आप किसी को गाना गवा रहे हैं, तो दो बालक हैं, किसी का आवाज़ थोड़ा सा आपको ज़्यादा ठीक है, किसी का कम है, तो आप कहें कि हाँ ये इसका गाना थोड़ा बढ़िया है। अब ये नहीं आप कह सकते कितना बढ़िया आया, कितना खराब आया उसका गाना। तो आप वहाँ पे आप गुणात्मक उसका गुण के आधार पे उसका मूल्यांकन किए। अब मात्रात्मक कहेंगे कि आपको एग्जाम करा दिए, 100 नंबर का पेपर करा देंगे, उसमें किसी का 90 आ गया, किसी का 50 आ गया, तब वहाँ पे मात्रात्मक हो गया कितने मात्रा वो आया। तो ये मूल्यांकन प्रक्रिया दोनों तरीके से होते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। ऑप्शन सी करेक्ट है। शिक्षा के मूल्यांकन में त्रिकोण का भाग है, मतलब कौन सा ट्रायंगल का शिक्षा का मूल्यांकन, मतलब इवेल्युएशन, ट्रायंगल ऑफ इवेल्युएशन का कौन सा भाग है? तो इसमें 3 भाग होते हैं, इधर लिख दिया हूँ। ऑब्जेक्टिव होता है यानी कि उद्देश्य, लर्निंग एक्सपीरियंस होता है यानी कि अधिगम अनुभव, और इवेल्युएशन होता है यानी कि आपका उसका मूल्यांकन। इसमें से कौन है? यहाँ से पढ़िए, शिक्षण अनुभव ये तो इसमें नहीं दिख रहा है, अभिभावक अनुभव भी नहीं है, शिक्षक अनुभव भी नहीं है, अधिगम अनुभव है यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस। तो ये ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ये आप याद कर लीजिएगा, ट्रायंगल ऑफ इवेल्युएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन भूमिका अदा करता है। मूल्यांकन किस रूप में भूमिका अदा करता है? शिक्षण में, पाठ्यचर्चा में, परीक्षण में, और उपरोक्त सभी में। मूल्यांकन आपको पता है वैल्यूएशन करते हैं, तो शिक्षण में भी भूमिका निभाता है, पाठ्यचर्चा में भी, चर्चा माने करिकुलम, और परीक्षण में भी, एग्जामिनेशन में भी करता है। ये इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी सही हो जाएंगे। अब कंफ्यूजन एक जो आता है कि पाठ्यचर्चा और पाठ्यक्रम में क्या अंतर है, तो देखिए पाठ्यचर्चा जो है ये व्यापक है, इसी के अंदर आता है पाठ्यक्रम। पाठ्यचर्चा आपका स्कूल के अंदर और बाहर ये सब एक जगह मिला के आता है, जैसे आपका खेल कूद भी इसी में आ जाएगा, दीवार पे क्या कलाकृतियां बनाना है शिक्षण समय, तो वो सब इसी में आ जाएंगे। ये पाठ्यचर्चा मतलब करिकुलम जो है ये व्यापक होता है, इसके अंदर अब छोटे छोटे आपको कक्षा में क्या पढ़ाना है उस, मतलब कक्षा का जो पाठ्य सामग्री है वो आता है पाठ्यक्रम के अंदर, सिलेबस के अंदर। तो सिलेबस किसके अंदर आता है? पाठ्य चर्चा यानी करिकुलम के अंदर। तो इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, इसको एकदम रट लीजिएगा। पाठ्य चर्चा का सिद्धांत आधारित है किस पर? विषय वस्तु पर, गतिविधि, छात्र पर। अभी ऊपर बताया पाठ्य चर्चा यानी करिकुलम, और करिकुलम में सब कुछ आता है, चाहे वो विषय वस्तु हो, चाहे खेल कूद हो, छात्र हो, ये सब आते हैं पाठ्य चर्चा के अंदर। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, ऊपर जो बताया उतना चीज आपको रहेगा, इसमें बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते जाएंगे, आपको बहुत चीजें आसान लगने लगेंगे फिर। तो इसको एकदम आराम से देखते रहिए, अगर एक बार में ना समय आए तो इसको रिपीट मोड में लगा के अब 2 बार 3 बार देख लेंगे, आराम से इसका हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा इसके पीछे इधर उधर नहीं भागना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, शिक्षा बिना बोझ किसके द्वारा दिया गया था, मतलब किसने कहा था कि शिक्षा बिना बोझ के होना चाहिए? डी कोठारी, प्रोफेसर यशपाल, के कस्तूरी रंगन, या डॉक्टर मुदाली अत्रे। किसने कहा था? ये प्रोफेसर
यशपाल ने कहा था, शिक्षा बिना बोझ का होना चाहिए। यही सवाल है, आजकल इसी पे जोर दिया जा रहा है कि बहुत आपको बोझ नहीं बनाना है शिक्षा को। क्वेश्चन नंबर 26 है, बच्चों का समाजीकरण शुरू कहाँ से होता है। देखिए यहाँ से एक और को ध्यान देना है आपको कि शुरू कहाँ से होता है। तो शुरू कहाँ से होता है, परिवार से शुरू हो जाता है उनका समाजीकरण होना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रक्रिया जो बच्चा को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है, मतलब आपको समाजीकरण करना है उसका ना, तो यहाँ से जाहिर सवाल है, यहाँ से सीधे सीधे दिख रहा है समाजीकरण, तो वही बच्चा को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा समाजीकरण, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे छात्र वो होते हैं जो मतलब बढ़िया जो अच्छे छात्र हैं उनका क्या गुण होगा, जो हमेशा सीखना चाहते हैं। ये तो सही लग रहा है, पहले और भी पढ़ लेते हैं ऑप्शन, जो हमेशा अच्छा परिणाम लाता है। देखिए इससे कोई मतलब नहीं है, परिणाम से आपका ये गलत हो जाएगा। जो हमेशा आत्मविश्वास से युक्त होता है, तो आत्मविश्वास ये ज़्यादा जो से जो छात्र का गुण है वो सीखना होना चाहिए, मतलब सीखना चाहना, उसके अंदर जिज्ञासा होना चाहिए, ये ज़्यादा उपयुक्त जो लग रहा है आपका करेक्ट लग रहा है ए। अब देखिए छात्र सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं, सबसे अच्छी तरह सीखते हैं, अभी मैंने ऊपर बताया करके सीखना एकदम पहला, वो पहला स्लाइड आपको एकदम रट लेना है, वहां से आपके मतलब आधा क्वेश्चन वहीं से बन जाएंगे, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे तो। सबसे जो अच्छी तरह से सीखने का जो है वो करके सीखता है, तब खुद से करेगा तब ज़्यादा सीखता है कोई भी छात्र, बाकी ऑप्शन उतना सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए ये है इस वाले पार्ट का, सेट वन का लास्ट क्वेश्चन, वास्तविक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दिखाना चाहिए, मतलब आप जब कोई भी चीज़ पढ़ा रहे हैं जिस जिस चीज़ से संबंधित, अगर उसको वास्तविक रूप में ला के दिखाएंगे तो वो क्यों ज़्यादा वो मतलब इफेक्टिव होता है, रुचि को प्रोत्साहित करता है, जिज्ञासा बढ़ाने के लिए भागीदारी बढ़ाता है। देखिए रुचि भी पॉजिटिव है, जिज्ञासा भी पॉजिटिव है, भागीदारी मतलब ये भी पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो ये तो रहा इसका टेलीग्राम, ये है यहाँ से जाके आप जुड़ सकते हैं, बाकी मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन या फिर आपको कमेंट बॉक्स में, वहाँ से भी आप जाके यहाँ से जुड़ सकते हैं, आपको सब पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगी। चलिए सेट टू स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ से देखिए ये 101 लिखा हूँ, मतलब ये आपका सेट में जब मिलेगा वहाँ पेपर, तो वहाँ 101 ही से चालू होता है, इसलिए यहाँ पे 101 दिख रहा है आपको, मतलब ये पहला क्वेश्चन है इस सेट का। अधिगम कदाचित औपचारिक है कि अनौपचारिक है, कि औपचारिक एवं अनौपचारिक दोनों है। अधिगम माने लर्निंग, औपचारिक माने फॉर्मल, अनौपचारिक माने इनफॉर्मल। तो अधिगम कैसा है, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरीके से व्यक्ति मतलब बालक जो है वो सीखता है। आपको जो औपचारिक का मतलब ये हुआ कि जैसे आपका क्लास हो गया स्कूल में, आपको औपचारिक तरीके से पढ़ाया जाता है कि आप 1 साल अगर कक्षा 1 में हैं, फिर अगले साल आप कक्षा 2 में जाएंगे, तो इस तरह से औपचारिक वहाँ पे आपको एक सिलेबस डिफाइन कर दिया जाता है कि उतना ही आपको पढ़ना है, तो औपचारिक शिक्षा है। आपको पता है वहाँ पे फिर फाइनल में एग्जाम होता है, लेकिन अनौपचारिक क्या होता है कि बच्चा केवल स्कूल में ही नहीं सीखता है, बहुत कुछ अपने आसपास से समाज से भी सीखता है, तो वो अनौपचारिक के अंतर्गत आता है, मतलब अधिकम जो है वो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होता है, तो इसका ऑप्शन सी ज़्यादा सही है। अधिगम प्रक्रिया में शामिल है, क्या शामिल है, अर्जित करना, अंतग्रहण करना, भंडारण करना, उपरोक्त सभी। जाहिर सी बात है अधिगम माने सीखना, तो वहाँ पे अर्जित भी करना उसके अंदर शामिल है, अंतग्रहण भी करना उसके अंदर शामिल है, और भंडारण मतलब उसको रखेगा भी मेमोरी में अपने, वो भी सही, मतलब इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मैंने ऊपर ही बताया था कि ज़्यादातर ऑप्शन आपका डी सही होगा, ऐसे में उपरोक्त सभी वाला ही इस चीज को थोड़ा सा जहाँ पे एकदम कुछ ना समझना है वहाँ पे आप, ये जिंदाबाद है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्देशित अधिगम अग्रसर करता है, आत्मनिर्देशित माने सेल्फ मोटिवेटेड जो हो गए, तो वो किधर अग्रसर करता है, गहन अधिगम, समृद्ध अधिगम, प्रश्न पूछना, मतलब जो खुद से आता है बच्चे के मन में अधिगम संबंधित, तो वो क्या करता है, वो गहन अधिगम को भी दर्शाता है, समृद्ध अधिगम को भी, और प्रश्न पूछना, ये सभी हो जाएंगे इसमें, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान का उद्देश्य निर्धारित होता है, ज्ञान निर्धारित होता है मनोवैज्ञानिकों द्वारा, मतलब ज्ञान का जो उद्देश्य है कौन निर्धारित करता है, सिंपल सा इसका ये मतलब है, कौन निर्धारित करता है, मनोवैज्ञानिक निर्धारित करते हैं, या दर्शन शास्त्री निर्धारित करते हैं, या फिर आपका समाज शास्त्री या अर्थशास्त्री, इसमें से कौन निर्धारित करते हैं आपका ज्ञान के उद्देश्य, तो जाहिर सी बात है कौन निर्धारित करता है, जो जिसको पेडागोजी का नॉलेज हो, यानी कि दर्शन शास्त्री जो है वो निर्धारित करते हैं ज्ञान का उद्देश्य,
ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दर्शन शास्त्री द पेडागोजिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतक उद्देश्य वर्णन करता है। अंतक माने जो लास्ट आपका जो होता है, इंड गोल जिसे कहते हैं या अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, तो ये क्या निर्धारित करता है। तो सबसे अंत में आपको क्या चाहिए, परिणाम चाहिए, प्रक्रिया चाहिए, कार्य पद्धति चाहिए, कार्य प्रणाली चाहिए। सबसे अंत में आपको क्या चाहिए, परिणाम ही तो चाहिए ना, क्या निर्धारित करेगा परिणाम। शिक्षण की पारंपरिक विधि की विशेषता है, पारंपरिक माने वही जो क्लासिकल चलती आ रही है पुराने जमाने से, तो उसमें क्या किया जाता था, उसमें होता था व्याख्यान विधि, जो पारंपरिक विधि व्याख्यान विधि को ही माना जाता है, मतलब लेक्चर मेथड, कि एक व्यक्ति आके, मतलब ये व्यक्ति मतलब टीचर आके कुछ बोल रहा है और बच्चे चुपचाप सुन रहे हैं, तो वहां पे केवल वार्ता होगा, मतलब आएंगे एक टीचर बोलेगा और सुनेगा, वो पारंपरिक विधि के अंदर आता है। ये खल्ली का मुझे समझ नहीं आया, इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इसमें केवल एक बोलने वाला टीचर होगा और बाकी सुनने वाले हैं, श्रोता होंगे जो बच्चे बैठेंगे। ये पारंपरिक विधि होता है, जो कि अब इस पे जोर नहीं दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत्र नियम से उदाहरण प्रक्रिया। अभी ऊपर में बताया था कि नियम से उदाहरण की ओर जाना, ये कौन सी प्रक्रिया है, आगमन विधि है, निगमन विधि है, या खेल आधारित विधि है, प्रयोगात्मक विधि है। यहाँ देखिए, ये मैं दोनों का लिख दिया हूँ ये कई बार, आगमन विधि और निगमन विधि। आगमन में क्या होता है, आगमन में एग्जाम्पल पहले दे दिया जाता है और फिर रूल बताया जाता है, या फिर इसी को कहीं कहीं विशिष्ट दे देगा, विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब आगमन विधि और निगमन, देखिए निगमन को मैं याद कैसे करना है आपको, निगमन आप किए होंगे, आप मैथ पढ़े होंगे और 10 तक, जाहिर सी बात है कक्षा 10 तक मैथ पढ़े होंगे, तो आपको निगमन करने के लिए आता था। निगमन में क्या होता था कि कोई रूल दे दिया जाता था और या फार्मूला दे दिया जाता था और कहा जाता था इसका निगमन करके इसको सिद्ध करो, यानी कि रूल निगमन में पहले रूल दे दिया जाएगा या फार्मूला दे दिया जाएगा, उसको सिद्ध करके और एग्जाम्पल से वेरीफाई करना होता है। तो आपको रूल पहले दे दिया जाएगा और एग्जाम्पल बाद में, तो ये होता है निगमन विधि। और आगमन विधि माने होता है इसको खोज मेथड भी कहा जाता है, मतलब इसमें कुछ नया चीज खोजा जाता है। सबसे पहले विशिष्ट इसमें मतलब कुछ स्पेसिफिक होगा, फिर उसको जनरलाइज किया जाता है, मतलब इसमें पहले एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, तो अगर मान लीजिए कि इससे पहले न्यूटन ने नियम बनाया ग्रेविटी का, तो उसने क्या देखा, सबसे पहले एग्जाम्पल देखा कि ऊपर से सेब गिर रहा है, अब उसके बाद उस पर गहन चिंतन किया, मतलब उसमें शोध चालू किया। तो आगमन विधि वो था कैसे, क्योंकि वो पहले देखा, एग्जाम्पल देखा कि पेड़ से गिर रहा है सेब तो नीचे आ रहा है, फिर उसने उस पर रूल बनाया कि ये कैसे क्यों नीचे ही आता है, तो उस ग्रेविटी का रूल दिया, तो वो आपका आगमन विधि में आ जाएगा। ये अच्छा माना जाता है, ये विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, मतलब कुछ ऐसा चीज है कि अजीब सा चीज है, उसको आपने सामान्य बना दिया, रूल बना दिया उसका, इसलिए ये आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड है। इंड्यूस किए कुछ आप, और डिडक्टिव माने उसी में से निकालना, जो पहले से रूल है बना हुआ, फिर उसमें से निकालना है आपको। ये चीज़ आपको देखिए इसमें सब याद रखना है, विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि में, या एग्जाम्पल से रूल की ओर आगमन विधि में, वहीं इसका उल्टा हो जाएगा निगमन विधि। तो आपको ये पूरा याद रखना है, ये वाला स्लाइड आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, नहीं तो PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए सूत्र से आपको उदाहरण जाना है, सूत्र से उदाहरण, रूल से एग्जाम्पल जाना है, तो कौन सा विधि है, निगमन विधि है। यहाँ से ये आपको क्लियर हो गया होगा दोनों विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्योन्य क्रिया में शामिल है। अन्योन्य क्रिया माने इंटरेक्शन, जो आपस में दो लोग मिलकर इंटरेक्शन कर रहे हैं, मतलब बातचीत कर रहे हैं, तो उसमें क्या शामिल है, ये तो मैं बता ही दिया, वाद विवाद, प्रश्न, सहायक शिक्षण सामग्री। तो अन्योन्य क्रिया में सब ये सब कुछ शामिल है, प्रश्न भी करते हैं जब आप इंटरेक्शन करते हैं एक दूसरे से, तो वाद विवाद भी करते हैं, उसमें सहायक शिक्षण सामग्री का भी यूज किया जाता है, इसमें आप सभी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ योजना का प्रयोजन है, पाठ योजना का क्या प्रयोजन है, शिक्षण लक्ष्य की रूपरेखा प्रस्तुत करना, या लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता तय करना, या अधिगम उद्देश्य तय करना। तो पाठ योजना मतलब आप लेसन प्लान बनाते हैं, तो उसका क्या आपको प्रयोजन होना चाहिए, ये तीनों होना चाहिए आपको, मतलब आप कैसे शिक्षण करेंगे उसका भी रूपरेखा उसमें बनाया जाता है, लक्ष्य पहुंचने मतलब लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ता भी बनाया जाता है कि आपको कैसे अंत तक पहुंचना है। आपको पता है अंत में सबसे पहले सबसे लास्ट में क्या दिया जाता है, होमवर्क दिया जाता है, पाठ योजना में ये भी पूछता है कि लास्ट चरण क्या है, तो होमवर्क दिया जाता है, गृह कार्य, ये पूरा एक रास्ता बनाया जाता है उसके लिए, मतलब शुरू से अंत तक कैसे आपको कौन कौन से स्टेप को पढ़ाना है, कौन चीज बोलना है, वो सारी चीजें पाठ योजना के अंतर्गत आती हैं, ये इसका अप्रोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ योजना का अंतिम चरण, देखिए अभी मैं ऊपर बता रहा था, नीचे क्वेश्चन आ गया इस एक ही पेपर में,
तो अंतिम चरण क्या होता है, सबसे अंत में क्या लिखते हैं आप, बनाए भी होंगे पाठ ना, तो गृह कार्य सबसे लास्ट में लिखा जाता है होमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूक्ष्म शिक्षण अधिक प्रभावी होता है, यानी कि माइक्रो टीचिंग जो है कब अधिक प्रभावी होता है, शिक्षण अभ्यास की तैयारी के दौरान। देखिए यहाँ पे तैयारी दे दिया है, ये थोड़ा सा सोचने वाला है, सबसे अधिक प्रभावी कब होता है, तैयारी के दौरान नहीं, जब आप करते हैं सूक्ष्म शिक्षण तब सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, यानी शिक्षण अभ्यास के दौरान। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, अभ्यास के बाद नहीं, ऑप्शन इसका बी सही होगा, ज्यादा प्रभावी कब होता है, जब आप शिक्षण अभ्यास कर रहे हैं उस समय। सूक्ष्म शिक्षण एक बेहतरीन उदाहरण है इसका, भूमिका नाटक के लिए, क्या नाटक में आप सूक्ष्म शिक्षण यूज करते हैं, या प्रदर्शन के लिए दिखाने के लिए करते हैं, या अनुकरण या सिमुलेशन के लिए। तो ये इसका ऑप्शन सी सही होना चाहिए, अनुकरण करने के लिए या सिमुलेशन के लिए सूक्ष्म शिक्षण किया जाता है, ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन आधारित है, अभिक्रमित माने प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये किस पर आधारित है। देखिए इससे दो क्वेश्चन बनता है, और कहे कि यह किस पर आधारित है, तब तो होगा क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत पर। क्लासिकी अनुबंधन को ही और शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसको पावलोव ने दिया था। अब एक अगर पूछे कि इसको कौन, इसका विकास किया, मतलब सबसे ज्यादा अगर भूमिका किसी का रहा, तो वो रहा किसका, स्किनर का, जिसने कौन सा नियम दिया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो ये अगर पूछे किसका ज्यादा भूमिका रहा या किसने विकास किया, तब वहां पे आ जाएगा स्किनर, जो कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नियम दिया। अगर पूछे किस पर आधारित है, तो क्लासिकी या इसी को कहा जाता है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। तो ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पे, बाकी इसको देख लीजिए। हाँ यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, अभिक्रमित अनुदेशन अगर पूछ दिया जाए कि विकास किसने किया, तो वहाँ पे आ जाएगा आंसर स्किनर। अब देखिए इन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों स्किनर का भी सिद्धांत और पावलोव का भी, तो इन दोनों का आपको बढ़िया से आना चाहिए। देखिए अगर पूछ दे कि पावलोव ने कौन सा प्रैक्टिकल किया था, मतलब किस चीज़ पे प्रयोग किया था, तो पावलोव ने एक भूखा कुत्ता लिया और इस पे प्रयोग किया। अब इसने क्या प्रयोग किया, तो इसने देखिए इस नियम को थोड़ा सा और एक नाम जान लीजिए कि इसको स्टिमुलस रिस्पॉन्स थियोरी, यानी कि SR थियोरी भी कहा जाता है, किसको, क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत को, या कि पावलोव को थियोरी को क्या कहा जाता है, SR थियोरी। अब S से स्टिमुलस, स्टिमुलस माने मतलब सबसे पहले आप क्या कर, उद्दीपन करेंगे कुछ चीज, उसके बाद वो रिस्पॉन्स करेगा, मतलब वो प्रतिक्रिया देगा, तो ये SR थियरी भी कहा जाता है। तो ये सब एग्जाम में आने वाले हैं, क्लासिकल हो गया आपका, शास्त्रीय हो गया, पावलोव थियरी हो गया, SR थियरी, अब घुमा घुमा के यही इधर उधर नाम पूछ देगा, इतना जानना है। अब इसमें होता क्या, देखिए नाम में ही अगर आपको ये पता रहेगा कि पावलोव ने SR थियरी दिया, S माने स्टिमुलस, स्टिमुलस माने सबसे पहले कुछ उत्तेजित करने वाला चीज रखे किसी के सामने, उसको देखकर वो उत्तेजना, मतलब वो कुछ रिस्पॉन्स करता है, कुछ प्रतिक्रिया करता है, ये हो जाएगा SR थियरी। अब देखिए इसने क्या किया, भूखा कुत्ता रखा, उसके बाद इसके सामने कुछ खाने के लिए लाया, सबसे पहले तो इसने मतलब खाना अगर नहीं लाया, उससे पहले एक घंटी बजाया, फिर कुत्ता कोई रिस्पॉन्स नहीं किया, फिर खाना लाया तो कुत्ता के मुंह में लार आया, जाहिर सी बात है भूखा था, तो इसके मुंह से लार टपकने लगा। फिर ये क्या किया कि अगले राउंड में इसने खाना भी लाया और साथ में घंटी भी बजाया, तब भी इसके मुंह से लार निकलने लगा। फिर यही प्रक्रिया ये बार बार दोहराते दोहराते अंत में क्या किया, इसने खाना नहीं लाया और फिर घंटी बजाया, ये केवल घंटी का आवाज सुन के ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगा, मतलब ये धीरे धीरे क्या करने लगा, पहले स्टिमुलस के आधार पर ये प्रतिक्रिया दे रहा था, उसका ये आदत पड़ गया इसको, केवल घंटी की आवाज पर ही क्या करने लगा, मतलब प्रतिक्रिया देने लगा। ये किसने कहा था, ये पावलोव ने किया था, और इसका उल्टा है RS थियरी, वो स्किनर ने किया, उसको भी देख ही लेते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वही ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। अब पावलोव स्किनर ने किस पर प्रयोग किया ये भी बोल देता है, नाम देखिए मैं पहले कहा कि ये पूरा नाम ऐसे पढ़िए एक लाइन में कि स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसको ये पढ़े तो आपको कहीं ये दे दिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, तो आपको तुरंत दिमाग में आपके आ जाएगा कि स्किनर ने दिया, इसीलिए आप पूरा ये एक लाइन में पढ़ा कीजिए, इससे आदत बन जाएगा स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। अब देखिए इसने पूछ देता है इसमें एग्जाम में किस पर प्रयोग किया, तो इसने जवाब प्रयोग किया और कबूतर पर प्रयोग किया था, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए इस थियरी को क्या कहते हैं, RS थियरी, वहां पर क्या था, SR थियरी था। इसमें क्या किया, इसने कहा कि सबसे पहले रिस्पॉन्स करोगे, उसके बाद आपको स्टिमुलस मिलेगा, मतलब कुछ खाने को मिलेगा,
उसी का उल्टा, पहले वहाँ खाने के लिए रखा जाता था पिछले वाले में पावलाव में, तब कुछ रिस्पॉन्स होता था, यहाँ पहले रिस्पॉन्स करेगा मतलब कुछ प्रतिक्रिया करेगा, उसके बाद उसको कुछ स्टिमुलस मिलेगा मतलब कुछ खाने को मिलेगा। इसमें क्या होता था कि ये देखिए, ये ऐसे पिंजरा बनाया गया और उसके अंदर एक लीवर ये लगा दिया गया है, और इस चूहे का पैर इस पे अगर पड़ता तो यहाँ से कुछ भोजन इसको मिलता, फिर इसको धीरे धीरे वो आदत हो गया और ये डायरेक्ट जाता था यहाँ पे, और यहाँ सीधे इस लीवर को दबाता था, इसको भोजन मिल जाता था। ये पहले कुछ कार्य कर रहा है फिर भोजन मिल रहा है, यानी कि कुछ ये पहले रिस्पॉन्स किया फिर इसको भोजन मिला, इसीलिए इसको RS थियरी कहते हैं। वही काम यहाँ भी है, ये इस पे चोच मारता एक की है तो इसको भोजन मिलता, दूसरे जगह मारता तो नहीं मिलता। यहाँ पे इसको फिर आदत हो गया, अब डायरेक्टली शुरू शुरू में तो नहीं मार पा रहा था, इधर उधर भटक रहा था, फिर डायरेक्ट और लास्ट में इसको आदत हो गई, यहीं पे सीधे जाके मारता और भोजन खा गया था। ये क्या किया, सबसे पहले कुछ कार्य किया, रिस्पॉन्स किया, उसके बाद कुछ इसको स्टिमुलस मिला भोजन के रूप में। ये चीज़ें इसको बाकी डिटेल में आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे अब बहुत डिटेल में नहीं जा सकता हूँ, हाँ इतना आपका काम चलाऊ यहाँ पे हो जाएगा। अभी देखिए अगला क्वेश्चन है, कक्षा में छात्रों के सीट बदलने से क्या लाभ, मतलब छात्रों को एक जगह ना, ये नहीं कि फिक्स कर दिए कि हाँ तुम इस सीट पर बैठोगे तुम उस सीट पे, ऐसा नहीं, उनको बदलते रहने की आज़ादी होनी चाहिए, इससे क्या होगा कि उनके अंदर सामाजिक संपर्क और भावना विकसित होगा। तो ये इसका तो आप साफ 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 इसका ऑप्शन दिख रहा है बी, यह सामाजिक संपर्क एवं भावनात्मक बंधन को बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी इसका सही होना चाहिए। बाकी के भी ऑप्शन थोड़ा थोड़ा आपको सही लगेगा, लेकिन जो सबसे ज़्यादा उत्तम ऑप्शन होता है उसी को चूज किया जाता है, इसमें यह ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए, तो आपको पता है जो एनवायरनमेंट होना चाहिए आपके क्लास का वो कैसा होना चाहिए, सकारात्मक और अधिगमकर्ता की आवश्यकता के अनुसार, छात्रों को स्वतंत्रता प्रदान करने वाला, सहयोगी, उपयुक्त, सभी तो कौन सा होना चाहिए। इसमें तो आपको अभी मैं ऊपर बताया, स्वतंत्र होना चाहिए, उसमें सहयोगी भी होना चाहिए, बहुत पहले स्लाइड में बता दिया था, और सकारात्मक तो होना ही चाहिए उनकी आवश्यकता के अनुसार, तो ये आपको सभी इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 116 यानी कि 16 नंबर है इस सेट का, पाठ्य पुस्तकों का चयन करते समय ध्यान देना चाहिए, मतलब आप यदि कोई पाठ्य पुस्तक चूज कर रहे हैं तो उसमें क्या चीज़ ध्यान देना चाहिए, पाठ्य पुस्तक का नाम, विषय सूची, लेखक या उपयुक्त सभी, इसमें से आपको क्या लग रहा है। तो देखिए आप कोई पाठ्य पुस्तक चूज करें, जाहिर सी बात है उसका नाम भी देखेंगे, यदि मान लेते हैं कि आप हिंदी के टीचर बनने जा रहे हैं, आप जाकर भूगोल की किताब लेकर पहुंच जाएंगे तो थोड़े पढ़ाएंगे, इसलिए आपको पुस्तक का नाम भी आपको चाहिए, फिर आप विषय सूची देखेंगे क्या क्या उसमें दिया है, कौन से लेखक हैं उसके, वो भी देखेंगे, तो ये उपयुक्त सभी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अब देखिए ये क्वेश्चन है, ये भी सब ये क्वेश्चन जितने हैं ये सब 2023 के स्टेट पेपर में आए हुए हैं। ISSN में कितने अंक होते हैं, अब ISSN देखिए कहाँ आपको देखने को मिलता है, ये ऐसा देखे होंगे कोई स्टैंडर्ड किताब आप खरीदेंगे या कोई मैगजीन, तो उस पर ऐसे बना रहता है बार कोड जैसे, इसमें ISSN नंबर एक रहता है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ये पूछा है कितने अंक का, देखिए साउथ अफ्रीका ISSN, और ये 448 यानी कि ये 8 अंक यहाँ पे है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, कितने अंक होते हैं तो 8 अंक होते हैं, नंबर का डिटेल आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक के पास होना चाहिए क्या होना चाहिए, छात्रों के बारे में ज्ञान, शिक्षक विधि का ज्ञान, अच्छा नेतृत्व करता, तो आपको एक साफ साफ दिख रहा है ये इसमें सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक शिक्षक सबसे अधिक सीखता है, मतलब शिक्षक की बात क्या रहता है कि सबसे अधिक कहाँ सीखता है, किताबों से, छात्रों से, प्रधानाध्यापक से, इसमें सबसे ज्यादा कोई यदि शिक्षक सीखता है, यदि आप पढ़ाते भी होंगे तो आप जानते होंगे सबसे ज्यादा आप सीखने को कहाँ सीखता है, छात्रों से, यहाँ पे आप क्योंकि आपको पता है कि अगर एक क्लास में 30-40 बच्चे हैं तो सबका अलग अलग क्वेश्चन रहेगा, कोई पूछेगा हो सकता है आपको न आए, फिर आप वहां से आप उसको जानने की कोशिश करें, तो सबसे ज्यादा आप छात्रों से ही सीखते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। एक प्रभावी शिक्षक का महत्वपूर्ण गुण है, शिक्षक का क्या गुण होना चाहिए, अच्छा प्रेरक होना चाहिए, छात्रों के साथ अच्छा संबंध होना चाहिए, ये तो ये दोनों ऑप्शन सही लग रहा है अब, लेकिन आयोग ने इसका ऑप्शन दिया है ए, तो इस पे थोड़ा सा आप सोचिएगा, मेरे हिसाब से ये दोनों ऑप्शन इसका सही लग रहा है, और बी दोनों यानी कि सी होना चाहिए, अच्छा प्रेरक भी होना चाहिए और अच्छा संबंध जाहिर सी बात होना ही चाहिए, बाकी अब आयोग ने ए दिया है, अब देख लीजिएगा इसको थोड़ा। आकलन का उपकरण है, मतलब इवेल्युएशन का क्या उपकरण है, असाइनमेंट प्रश्न, प्रोजेक्ट कार्य, संचयी अभिलेख, निबंध, देखिए आकलन करना है किसी का पूरा, मतलब वो क्या क्या सीखा, कैसे रहा उसका पूरा साल, तो उसके लिए क्या किया जाता है, तो उसके लिए एक संचयी अभिलेख बनाया जाता है,
संचयी अभिलेख आपको पता है कि पूरे वर्ष में उसकी क्या क्या गतिविधियां रही उस बच्चे की, तो वो एक अभिलेख बनाया था। इसका नाम संचयी अभिलेख है, यानी कम्युलेटिव, पूरा का एक जगह होता है इसमें। तो इसमें इसी में इसका पूरा डेटा जिसको कहा, या बायोडेटा, तो वो इसी में पूरा संचित रहता है संचयी अभिलेख में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, इसको कम्युलेटिव रिकॉर्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 122 नंबर, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य। निर्माणात्मक को इंग्लिश में फॉर्मेटिव इवेल्यूशन या फॉर्मेटिव असेसमेंट कहा जाता है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो मैंने बताया था कि फॉर्मेटिव और समेटिव दो होता है, फॉर्मेटिव वो पॉजिटिव में होता था और समेटिव को निगेटिव में। तो फॉर्मेटिव में क्या होता है कि समय मतलब शिक्षण कर रहे हैं उसी दौरान मूल्यांकन करते जाएंगे, तो वो होता है फॉर्मेटिव। अब इसमें ऑप्शन थोड़ा पढ़ लीजिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रगति जानना। देखिए प्रगति से इसमें कोई मतलब नहीं है कि उसने कितना सीखा है, आप केवल जिस समय पढ़ा रहे हैं उसमें सुधार से संबंधित, तो ये फॉर्मेटिव है। इसीलिए इसको ज़्यादा उचित माना जाता है कि आप जब पढ़ा रहे हैं उस समय छात्र क्या गलती कर रहा है उसको सुधार सकें, तो ये इसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऑप्शन बी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सुधार करने के लिए, प्रगति जानने के लिए आपका मतलब कितना वो सीखा है क्या नहीं सीखा है, वो समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख भी दिया हूँ, समेटिव इवेल्यूशन या समेटिव असेसमेंट जो है ये एट एंड ऑफ द लर्निंग पीरियड, मतलब सब कुछ पढ़ाने खत्म होने के बाद ये इवेल्यूशन किया जाता है। तो ये जैसे आपका एनुअल एग्जाम्स होते हैं मतलब वार्षिक परीक्षा, तो वो समेटिव इवेल्यूशन में आता है। मूल्यांकन का कार्य कौन कौन सा है, क्या है? चयन करना, भविष्यवाणी करना, निदान करना, या उपरोक्त सभी। तो मूल्यांकन करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं, आप चयन भी कर सकते हैं, जाहिर सी बात है जैसे आप कोई एग्जाम होता है उसके तहत, जैसे अभी आप जा रहे हैं स्टेट देने, आपको पता है कि यहाँ से आपका नंबर यदि आएगा 75+ तो आप चयनित हो जाएंगे। फिर आपका भविष्यवाणी भी किया जा सकता है कि हाँ आप अगले जो बीपीएससी कराएगा उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, तो भविष्यवाणी भी हो जाएगा अभी जब इसमें चयन हो जाएगा तो मतलब मूल्यांकन के बाद। फिर बाकी जो समस्याएं हैं जो आप पास नहीं हो पा रहे हैं वो भी निदान हो जाएगा, तो ये उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य सहगामी क्षेत्र से संबंधित नहीं है। इस चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं वाला पे ज्यादा ध्यान रहना चाहिए, नहीं तो पता चला कि है अब करके और जाके मार देंगे टिक, गलत मार के आ जाएंगे। तो ये पाठ्य सहगामी मतलब, पाठ्य सहगामी का मतलब होता है कि आप जो पढ़ने के अलावा उसके साथ साथ और भी जो क्रियाएं की जाती हैं, जो जितनी गतिविधियां पढ़ाई के साथ साथ दूसरी गतिविधियां वो सहगामी क्रिया के अंतर्गत आती हैं। जैसे आपका खेल भी इसी में आ जाएगा, नाटक हो गया, वाद विवाद हो गया, ये सब सहगामी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें देखिए आंसर में दिया है, वाद विवाद ये तो आएगा ही, संगीत भी आएगा, नाटक ये भी आएगा, ये सब सहगामी है। वर्ग शिक्षण यानी क्लास टीचिंग जो है ये सहगामी नहीं है, ये तीनों जो है ये इसके साथ साथ होते हैं, जो क्लास टीचिंग है इसके साथ साथ ये भी किए जाते हैं। इन इन तीनों को पाठ्य सहगामी क्षेत्र कहा जाता है, मतलब उसके अंतर्गत ये आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विद्यालयी पाठ्यचर्चा का प्रमुख सोच है। विद्यालय पाठ्यचर्या का प्रमुख स्रोत, अब व्यवसाय की तैयारी करना, बच्चों का सर्वांगीण विकास, या व्यक्तिगत संतुष्टि, उपयुक्त सभी। तो ये व्यवसाय के लिए नहीं किया जाता है पाठ्यचर्या, जो अभी आपका बनाया जाता है करिकुलम, बच्चों के सर्वांगीण विकास को नजर रखते हुए, यानी कि इसी के आधार पर पूरा बनाया जाता है करिकुलम कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। व्यक्तिगत संतुष्टि से क्या मतलब है, यहाँ पे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे बी होना चाहिए, बच्चों का सर्वांगीण विकास। अब देखिए मैंने कहा था कि उपयुक्त सभी वाला ज्यादा सही होता है, तो यहाँ पे मार्क आ जाएंगे, गलत हो जाएगा, तो इसलिए मैं कहा कि थोड़ा सा पढ़ भी लीजिए, कॉमन सेंस लगाइए, अगर कॉमन सेंस नहीं काम करते तब तो लगाइए डी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन ने मानव विकास को विभाजित किया है। अब देखिए एरिक्सन का थियरी यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, अब यहाँ देख सकते हैं आप गिन लीजिए कितना विभाजन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना विभाजन है 8 चरणों में। यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा, देखिए कौन कौन सा है, इन्फेंसी इंग्लिश में आप पढ़ें तो देख लेंगे, बाकी हिंदी के लिए आप किताब रखें देख लीजिएगा, नहीं रखेंगे तो इसमें ये नहीं पूछेगा ज़्यादा। हाँ ये देखिए पहला इसका चरण है ए जी मतलब जन्म से और 1.5 वर्ष तक पहला इन्फेंसी, फिर उसके बाद 1.5 से 3 वर्ष, तीसरा चरण आपका 3 से 6 वर्ष, चौथा 6 से 12, फिर 12 से 20, फिर 20 से 35, 35 से 65, और 65 के बाद का अंतिम चरण है जो कि लेट एडल्टहुड है। इसको आप देख लीजिएगा इसमें कितने चरण होते हैं, एरिक्सन के मानव विकास में 8 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन को कहा जाता है। तो भौतिक और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन को क्या कहा जाता है, सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है।
परिभाषा भी पढ़े होंगे, बीएड के परीक्षा में आपने लिखे होंगे सामाजिक परिवर्तन। तो वहाँ पे क्या पढ़ रहे थे, भौतिक और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने शिक्षण को व्यवसाय के रूप में क्यों चुना। अब देखिए आपसे पूछा जाए कि आपने शिक्षण को ही मतलब शिक्षक ही क्यों बनना चाहते हैं, क्यों टीचर बनना चाहते हैं। तो इसको थोड़ा सा आप अपना कॉमन सेंस लगा के पहले उत्तर दीजिए, फिर आप देखिएगा, पहले इसको वीडियो को पॉज करके इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। आपका शिक्षण में रुचि है तो ये तो सही लग रहा है, जाहिर सी बात है रुचि होगा तभी आप शिक्षण में जाएंगे। बड़ी रिक्ति के कारण, अब देखिए इसमें दिया है कि बड़ी रिक्ति मतलब बिहार में मान लीजिए कि आ गया 1,70,000 पोस्ट, तो उसको देखकर क्या आप टीचर बनना चाहते हैं या आपके अभिभावक चाहते हैं कि आप टीचर बने, हमारा बेटा बिटिया टीचर बने तो उसलिए आप चाहते हैं। देखिए ऐसे तो लग तो सभी रहा है, लेकिन आपको वहाँ पे भावनाओं में नहीं बहना है, आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड टेक्निक अपनाना है। तो वहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, रुचि है तब आप जा रहे हैं। जैसे इंटरव्यू दिया जाता है ना, तो आप क्या कहेंगे, भले आप ये सब सही लग रहे हैं, जाहिर सी बात है बहुत लोगों का यही कारण होगा कि बहुत बड़ी भर्ती आ गई है, चलो हम भी भर देते हैं, या माता पिता चाहते हैं तो हम भी भर ही देते हैं। तो लेकिन इसका जो सबसे उचित उत्तर है वो शिक्षण में रुचि के कारण आपको शिक्षक बनने का जो व्यवसाय है वो आपने चुना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य सामग्री है, मतलब सुनने और देखना दोनों एक साथ होता है किसमें, जिसमें आप सुनते भी हैं और देखते भी हैं, ये होता है चलचित्र में, मतलब आप सिनेमा जिसको कहा जाता है इंग्लिश में, तो सिनेमा में दोनों होता है, आप देखते भी हैं और सुनते भी हैं। रेडियो में केवल क्या करते हैं, ये रेडियो केवल श्रव्य सामग्री है, चित्र क्या है केवल दृश्य सामग्री है, मानचित्र क्या है ये भी केवल दृश्य सामग्री है, केवल आप देख पाएंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने का आलेखीय उपकरण है, क्या है आलेखीय मतलब मैपिंग, तो कौन सा है ज्ञान को व्यवस्थित और प्रस्तुत करने के लिए, सबसे इसके लिए क्या होगा, कंसेप्ट मैपिंग। देखिए हिंदी में अगर ना सुना है तो इंग्लिश में करके ट्रांसफर उसको देख लीजिएगा। श्रव्य मानचित्र नहीं, दृश्य मानचित्र नहीं, अवधारण को ही कंसेप्ट मैपिंग कहा जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, कंसेप्ट ज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले आपके अंदर कंसेप्ट बिल्डिंग होना चाहिए कि आप कैसे उसको करेंगे, या टीचिंग में भी आप जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंसेप्ट बनाएंगे कि हमको ऐसे ऐसे चल के पढ़ाना है। तो सबसे पहले क्या होता है, कंसेप्ट बिल्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेट 3, देखिए आपका 2 सेट खत्म हो गया, ये तीसरा सेट है, जो आपका 60 क्वेश्चन हो चुका है, अब ये आप 61वां क्वेश्चन है। शिक्षण है क्या है, शिक्षण शिक्षार्थी की आवश्यकता पर ध्यान देना, परिणाम शिक्षार्थी के सुपुर्द करना, जीवंत पुस्तकालय तैयार करना, प्रमाण के बिना शिक्षार्थी को विश्वास दिलाना। तो यहाँ तो ये तो बिना प्रमाण के आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रमाण के साथ ही सब बात करना, तो ये तो ऐसे गलत हो गया। डी सी देखने, जीवंत पुस्तकालय तैयार करना, आप केवल पुस्तकालय मतलब जीवन पर्यंत थोड़े तैयार करते रहेंगे, ये भी नहीं है शिक्षण। परिणाम शिक्षार्थी के मतलब परिणाम से ज़्यादा मतलब नहीं होता है इसमें, मैंने पहले ही बताया कि आपको ज़्यादातर क्या करना चाहिए कि उसकी शिक्षार्थी क्या आवश्यकता है उस पर ज़्यादा बल देना चाहिए। तो ये पहला ऑप्शन इसका ज़्यादा सही है, इसमें यही चूज करना था आपको जो ज़्यादा करेक्ट हो, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का आश्रित चर है, ये आश्रित लिखा गया है, यहाँ पे आश्रित होगा मतलब डिपेंडेंट जो फैक्टर है, डिपेंडेंट वेरिएबल वो कौन है, कौन डिपेंडेंट रहता है किसी पर शिक्षण में। तो आपको पता है कि दो चीज़ें होते हैं शिक्षण में, एक तो टीचर होता है और एक स्टूडेंट होता है, मतलब तो एक छात्र और एक शिक्षक। तो कौन डिपेंडेंट होता है, तो आपको पता है छात्र डिपेंडेंट होता है, मतलब छात्र किस पर निर्भर होता है, शिक्षक पर। तो यहाँ पे आश्रित कौन हो गया, छात्र हो गया मतलब शिक्षार्थी, तो ऑप्शन ए। अब यहाँ पूछ देता है कि कौन आश्रित चर नहीं है, तब यहाँ पे कौन होता है, शिक्षक हो जाता है, यानी या ऐसे पूछ देता है कौन स्वतंत्र चर है मतलब जो डिपेंडेंट नहीं है, तब हो जाता ऑप्शन शिक्षार्थी। अभी एग्जाम में पूछा हुआ है, अभी आगे मिल जाएगा आपको, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन देखते चलिएगा, इसी में से रिपीट होता है इधर उधर करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति संवेदी शिक्षण है, गति माने आपका जो सेंसरी मोटर से संबंधित जो है, मतलब आपका हाथ का हिलना, ये पैर वैर का, तो ये शिक्षण जो है ये किसके, शारीरिक से, जहाँ पे आपको गति संवेदी दिख जाए वहाँ ज़्यादातर वो आपको शारीरिक से ही संबंधित मिलेगा। तो ये इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, शारीरिक अधिगम। गति संवेदी माने आपका सेंसरी मोटर से संबंधित जो है वो शारीरिक अधिगम के अंतर्गत ही आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी के समग्र विकास पर बल देता है, मतलब कौन देता है, विषय केंद्रित शिक्षण, शिक्षार्थी केंद्रित, क्रिया केंद्रित, एकीकृत केंद्रित। तो आपको पता है मैं पहले बताया बाल केंद्रित या शिक्षार्थी केंद्रित को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, मतलब वो ज़्यादा सही मानी जाती है। समग्र विकास के लिए क्या होना चाहिए, शिक्षार्थी या बाल केंद्रित शिक्षण होना चाहिए, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूम का वर्गीकरण के नए संस्करण में, आप देखिए अभी ऊपर बताया था आपको इसका संशोधन किया गया, संशोधन में कह रहा है संश्लेषण को किससे प्रतिस्थापित किया गया। संश्लेषण वहां बताया गया था सिंथेसिस को क्रिएट से, क्रिएट माने निर्माण से प्रतिस्थापित किया, मैं वही बताया था, नहीं देखे याद है तो आप जाके पीछे देख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा संश्लेषण को निर्माण से प्रतिस्थापित किया गया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहतर अधिगम सुनकर होता है, दृष्टिकोण है, मतलब ये अगर दे दिया जाए, अगर कोई कहे कि बेहतर अधिगम सुनकर होता है, ये किस विधि के अंतर्गत आता है, जिसमें सुनकर के जो लर्निंग होता है वो होता है। तो आपको पता है व्याख्यान विधि यानी कि आपका लेक्चर मेथड जो है वो होता है जिसमें केवल सुन करके अधिगम होता है, मतलब एक व्याख्याता होता है जो टीचर होता है और एक सुनने वाला छात्र होता है, ये व्याख्यान विधि के अंतर्गत आता है, जो कि अब इसको धीरे धीरे इसको हटाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन विधि का दृष्टिकोण है, अभी देखो उसके इसके बारे में ऊपर में बता दिया हूँ डिटेल में। निगमन विधि क्या होता है, डिडक्टिव मेथड में आपको पता है कि यहाँ पे सामान्य से विशिष्ट की ओर, बाकी डिटेल में आप ऊपर देख लीजिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये आता है निगमन विधि के अंतर्गत। मतलब सबसे पहले आपको रूल दे दिया जाएगा, कहा जाएगा निगमन करो, ये सामान्य से विशिष्ट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108, आगमन विधि शिक्षार्थी को प्रदान करता है, आगमन विधि यानी कि इंडक्टिव, जिसको मैंने कहा था शोध विधि भी इसको कह सकते हैं, इसमें आप मतलब नया रूल जनरेट करता है कोई व्यक्ति, तो ये क्या है, प्रासंगिक क्या प्रदान करता है, प्रासंगिक सामग्री, अनुदेश, व्याख्यान या प्रदर्शन। देखिए प्रदर्शन इसमें नहीं होता है, रिसर्च, आप रिसर्च के तौर पर इसको देख सकते हैं, तो वो एक्सप्लोर करता है आगमन विधि में, व्याख्यान भी नहीं होगा, तो ये तो दोनों ऐसे गलत हो गया, अनुदेश इंस्ट्रक्शन नहीं देता है वो, प्रासंगिक सामग्री, ये ऑप्शन ज्यादा सही लग रहा है, तो आप ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। पाठ योजना के जनक, अब देखिए यहाँ से आगे सीधे, ये पाठ योजना का जनक किसे माना जाता है, जीलर, हरबार, कार्ल स्टोर, अब इसमें दो क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, देखिए अगर पूछे आपसे कि पाठ योजना के जनक कौन है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन हरबार्ट, इसका फुल नाम है J.F. हरबार्ट या हरबार्ट, ये पाठ योजना के जनक है, जो कि पांच पदीय प्रणाली बनाए थे इन्होंने। अब देखिए अगर पूछ दिया जाए कि इकाई पाठ योजना के जनक कौन है, अब इसी में अगर पाठ योजना या फिर इकाई पाठ योजना दे दे, तब इसके जनक है मॉरिसन, तो ये दोनों प्रश्न आप याद रख रही है, इसमें से कोई भी पूछ सकता है, ये एग्जाम में आता रहता है, चाहे सी टेट हो, चाहे बी टेट हो, चाहे एस टेट हो, इस सब में घुमा फिरा के आता रहता है इन दोनों चीज़ का। अगर इकाई पाठ योजना पूछे कि इसका जनक कौन, तो मॉरिसन, और सिंपल केवल पाठ योजना के जनक पूछे तो J.F. हर्बर्ट, या केवल हर्बर्ट भी दिया है तो वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, चरण का सृजन किया किसने किया, तो इवेंट्स से पहले तो इसको देख लीजिए, इसने किसने किया था, गैगने ने किया था, इसने नाइन जो है इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए थे, यहाँ पे लिखा हूँ गैगनेस नाइन्स इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, आप सीधे ये एक लाइन याद रखे रहेंगे तो आपको कई चीजें इसी में हो जाएगा, किसने दिया तो गैगनेस ने दिया, कितना दिया तो नाइन दिया, मतलब नौ दिया, तो ये गैगने ने दिया था। देखिए ये क्या क्या दिया था, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले कहा था गेन दी अटेंशन ऑफ लर्नर, मतलब ये आपका जो सबसे पहले क्या करना चाहिए, आप किसी क्लास में जाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आम शिक्षार्थी हैं उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहेंगे, उसके बाद उनको क्या करेंगे कि आपका जो आप टीचिंग जो करने जा रहे हैं उसका क्या उद्देश्य है वो बताएंगे उनको, उसके बाद क्या करेंगे, आपने जो पिछली क्लास में जो पढ़ाया होगा उसको उनको रिकॉल करेंगे, मतलब कोशिश करें कि वो मतलब उसको उनके दिमाग में वो चीज़ें आ जाएं फिर से, कि मैंने कहाँ तक पढ़ाया था पीछे, वो सारी चीज़ें, तो वो होता है पिछले का प्रियर लर्निंग से कहते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अब नया कंटेंट जो आप लाए हैं आज पढ़ाने के लिए वो फिर प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप उसमें आप लर्निंग में उनके गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे कुछ, फिर क्या करेंगे उस पर प्रैक्टिस कराएंगे, उनसे परफॉर्मेंस कराएंगे कुछ, उसके बाद क्या करेंगे कुछ फीडबैक देंगे उनका कि कैसा उनका कार्य रहा, अच्छा रहा, खराब रहा, फीडबैक कुछ देंगे, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा, उसके बाद लास्ट में क्या करेंगे इन्हेंस करेंगे और थोड़ा सा, मतलब ताकि वो उसको धारण कर सके, रिटेंशन माने होता है धारण करना, ताकि जो जो भी चीज़ें कोई बालक पढ़ा है वो उसको धारण करे अपने अंदर, उसको फिर जहाँ भी कहीं जाए तो उसको फिर वो ट्रांसफर कर पाए, मतलब वो काम में अपने लगा पाए, ये सारी चीज़ें हैं गैगनेस ने दिया था, नाइन इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण में कौन से चरण शामिल है, मतलब माइक्रो टीचिंग में कौन से चरण शामिल है, ज्ञान प्राप्ति की स्थिति, कौशल अधिग्रहण की स्थिति, अंतरण स्थिति, उपर्युक्त सभी, तो सूक्ष्म शिक्षण में क्या क्या शामिल होता है,
ज्ञान की प्राप्ति भी हो की स्थिति, मतलब कहाँ तक ज्ञान प्राप्ति किया है कोई व्यक्ति, इसका भी कौशल अधिग्रहण। उसके बाद मतलब ये आपको पता है प्रशिक्षण किसके लिए है, टीचर के लिए, जो आप जब प्रशिक्षण में जाते हैं उसमें ये काम आता है। अंतरण स्थिति मतलब आप कहाँ तक ट्रांसफर इसको कर पाए हैं, वो अभी मतलब ये सभी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। एक शिक्षक द्वारा श्यामपट का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है, मतलब आप श्यामपट ब्लैक बोर्ड का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं, छात्रों को चौकस बनाकर, चौकस का मतलब होता है उनको अलर्ट करके, या ये सावधान करके मतलब सावधान बनाने के लिए कर सकते हैं, या महत्वपूर्ण और उल्लेखित बिंदुओं को लिखने के लिए। तो श्यामपट का यूज क्यों किस लिए होता है, तो आपको पता है महत्वपूर्ण और उल्लेखनीय बिंदुओं को लिखने के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रमित अनुदेशन का विकास किसने किया। अभी देखे तो उसके ऊपर आप प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन, ये कई बार रिपीट हो चुका है, विकास के लिए मैं वही बताया था कि विकास किसने किया, तो स्किनर ने किया। इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, आप देख लीजिएगा वहां से। इसी को अगर पूछ दे कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, या ऐसे कह दे कि विकास किसने किया, तब भी स्किनर होगा। अगर ये पूछे कि रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन किसने किया, तो भी अभी इसका फुल नाम है बी एफ स्किनर, ये कब दिया था 1954 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। और शाखीय अभिक्रमित पूछ दे, तब कौन इसके जनक कौन होंगे, नॉर्मन ए क्राउडर, ये भी आपको ध्यान रखना है। शाखीय पूछेगा तो नॉर्मन ए क्राउडर, और रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन पूछेगा तो बी एफ स्किनर, जो कि 1954 में दिया गया था इनके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील कक्षा पारिस्थितिकीय तंत्र में बच्चों को देखा जाता है। प्रगतिशील माने वो मतलब उनका प्रगति होता रहा है, वैसे कक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। निष्क्रिय, निष्क्रिय तो नहीं रहना चाहिए, तो ऐसे गलत हो गया, बच्चे को निष्क्रिय नहीं, बच्चों को सक्रिय होना चाहिए। सक्रिय अनुकरणकर्ता, तो और देख लेते हैं, सक्रिय अन्वेषक, तो सबसे ये ज्यादा उपयुक्त लग रहा है, सक्रिय अन्वेषक। अन्वेषक माने होता है एक्सप्लोरर, मतलब वो आप पढ़े भी होंगे कि जो नन्हे बच्चे होते हैं वो क्या बाल वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक माने वो शोध करने वाले होते हैं, तो ये ज्यादा ऑप्शन सही है। जो प्रगतिशील कक्षा है उसमें बच्चों को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, सक्रिय अन्वेषक, मतलब वो एक्सप्लोरर है, वो वैज्ञानिक है, ऐसे मानिए। तो ये ऑप्शन इसका सी ज्यादा सही है। नेक्स्ट देखिए, शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत है। शिक्षार्थी केंद्रित या बाल केंद्रित शिक्षा का प्रमुख सिद्धांत क्या है, करके सीखना, ये तो ऑप्शन ऐसे दिख रहा है, पहला करके सीखना सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, तो ये ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नकल करके, नकल नहीं कराना है, लिख के सीखना, ये भी गलत है, तो आप सबसे पहला सबसे उत्तम जो है वो है ए, करके सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक का क्या उद्देश्य होना चाहिए, किसी विशेष विषय में पाठ्यक्रम के शिक्षण और सीखने का मार्गदर्शन करना, और सोचने की क्षमता को कम करना। आप देखिए ये अब केवल इतना पढ़ के नहीं लगा देना है, ये भी दोनों, अभी यहाँ देखिए कम करना है, सोचने की क्षमता कम थोड़े करना है, बढ़ाना ना होता है, तो इसका ऑप्शन तो ऐसे ये बी गलत हो गया, यानी कि इसका ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बजट पारित किया जाता है। कौन पारित करता है विश्वविद्यालय का पुस्तकालय बजट, ये किया जाता है सीनेट द्वारा, या कार्यकारी परिषद द्वारा, अनुसंधान परिषद द्वारा, या फिर अकादमिक परिषद द्वारा। ये कौन करता है, ये करता है कार्यकारी परिषद, जो कि आपका एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता है, जो वो बजट पास करता है पुस्तकालय का, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक अच्छे शिक्षक का क्या गुण होना चाहिए, साधन संपन्न होना चाहिए, और निरंकुश, निरंकुश तो देखिए ऐसे गलत हो गया, निरंकुश नहीं होना है, साधन संपन्न और सहभागिता, ये मागिता नहीं भागिता है, तो ये तो ज्यादा सही लग रहा है, सहभाग मैंने बताया था कि उसमें भागीदारी होना चाहिए दोनों का, मतलब बच्चों के साथ मिलजुल कर। साधन संपन्न तो प्रमुख वाला, प्रभावशाली, तो ये ज्यादा सहभागी वाला आपको ज्यादा सही लग रहा है, ऑप्शन बी इसका सबसे उत्तम है। आपको यहाँ पर उत्तम ही चुनना है, आपको लगेगा कि सब सही है, लेकिन आपको उत्तम चुनना है, इसमें ऑप्शन बी ज्यादा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र आमतौर पर एक शिक्षक की प्रशंसा करते हैं, किस शिक्षक की प्रशंसा करेंगे छात्र, तो अपने छात्रों को जो डराता नहीं है उसकी प्रशंसा करते हैं, या सभी छात्रों से मित्रवत जो रहता है उसकी ज्यादा प्रशंसा करते हैं। तो ज्यादा प्रशंसा किस शिक्षक की करते हैं, जो सभी छात्रों से मित्रवत रहते हैं, जिनका व्यवहार फ्रेंडली रहता है, उनकी ज्यादा प्रशंसा होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण एक पारस्परिक गतिविधि है, किसके किसके बीच शिक्षण, किसके किसके बीच होता है, तो जाहिर सी बात है मैं पहले ही बताया था, शिक्षण किसके बीच होता है, तो उसमें एक शिक्षक होता है और छात्र, तो इन दोनों के बीच ही होता है। यहाँ पहला ऑप्शन है शिक्षक और अभिभावक, अभिभावक मतलब जो उसके परिवारजन है, तो उनसे नहीं मतलब है, इसमें होता है शिक्षक और छात्रों के बीच, तो ऑप्शन बी इसका ज्यादा सही है।
ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान परीक्षा प्रणाली में किस क्षेत्र के उद्देश्यों का मुख्य रूप से मूल्यांकन किया जाता है? जो परीक्षा प्रणाली चल रही है वह किस क्षेत्र का मूल्यांकन किया जाता है प्रमुख रूप से? भावात्मक क्षेत्र या संज्ञानात्मक क्षेत्र या मनोगत्यात्मक क्षेत्र, उपयुक्त में से कोई नहीं। सबसे ज्यादा जो आजकल होता है वो संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डोमेन जो है उस पर ज्यादा फोकस किया जाता है मूल्यांकन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रात्मक निर्णय की प्रक्रिया है, जो कि मात्रात्मक जहाँ पे आ जाए वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको मापन करना पड़ेगा, तभी आप मात्रा बता पाएंगे कितना हुआ। जैसे आपको कहा जाए कि इस कोई परीक्षा किसी छात्र का मात्रात्मक आपको परिणाम जानना है, तो क्या करेंगे आप उसका एग्जाम करा देंगे, फिर उसमें देखेंगे कितना मार्क्स पाया, तो वो क्या है, वो मापन की एक प्रक्रिया है। यहाँ से ऑप्शन बी हो जाएगा, जहाँ मात्रात्मक चाहिए वहाँ मापन करना पड़ेगा आपको। किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग कक्षा में रैंकिंग के लिए? देखिए यह है तो एक्चुअल में निगेटिव चीज, लेकिन अभी तक चलता आ रहा है ये, तो रैंकिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? रैंकिंग के लिए भी आपको मानक संदर्भित मूल्यांकन करना पड़ेगा। अभी अब ये चूंकि ये निगेटिव है, अब ये इस पे बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, इसको कम करने की कोशिश किया जा रहा है। मानक संदर्भित मूल्यांकन जो है स्टैंडर्ड, जो जितने भी मेथड है उसको अपनाने में उसको कम करने की बात किया जा रहा है, लेकिन जो रैंकिंग के लिए किया जाता है अभी तक कि किसका रैंक 1 आया, 2 आया, तो उसके लिए मानक संदर्भित मूल्यांकन यानी कि स्टैंडर्ड जो मेथड है उनका यूज किया जाता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्चा विकास का भाग नहीं है? देखिए यहाँ पे नहीं पूछा है, पाठ्यचर्चा विकास का भाग, उद्देश्य का चयन, शिक्षकों का चयन, विषय का चयन, गतिविधि का चयन। देखिए पाठ्यचर्चा में जो है आपका शिक्षकों का चयन शामिल नहीं होता है, बाकी ये उद्देश्य भी होगा, कोई भी आप जो पाठ्यचर्चा यानी कि करिकुलम डेवलप करें तो वहाँ पे उद्देश्य होगा कुछ ना कुछ कि आपको किस पर्पज से बनाना है, विषय का भी चयन करेंगे उसमें, गतिविधि क्या होगी उसमें उसका भी चयन करेंगे, लेकिन शिक्षकों का चयन ये करिकुलम के अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा करेक्ट। किसी विषय के प्रसंग को विशिष्ट समय में पूरा करने की एक रूपरेखा है क्या है? देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा आप सही से लाइन देखिएगा, कह रहा है किसी विषय के प्रसंग को विशिष्ट समय में पूरा करने की एक रूपरेखा। तो मैंने बताया था कि कोई एक विषय का विशिष्ट समय पूरा करेंगे अगर, तो वो आता है किसके अंदर, वो सिलेबस के अंतर्गत आता है कि आप कक्षा में क्या पढ़ाएंगे, और सिलेबस को हिंदी में क्या कहते हैं, पाठ्यक्रम कहते हैं। तो आपको बी इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ से लिख भी दिया हूँ, कन्फ्यूजन ना रहे, सिलेबस पाठ्यक्रम और करिकुलम पाठ्यचर्चा होता है। पाठ्यचर्चा में मैंने बताया था इसमें सब कुछ शामिल होता है, चाहे वो दीवार पे पोस्टर लगाना हो, मतलब इस कॉलेज के अंदर लिखा जाता है अलग अलग चीज़ें शिक्षा से संबंधित, बालकों स्कूलों में देखे होंगे आप बहुत सी चीज़ें दीवार पर भी लिखी जाती हैं, या फिर आपका खेल कूद से संबंधित ये भी करिकुलम में ही आ जाएगा, जबकि ये केवल कह रहा है किसी विषय से संबंधित, तो वो सिलेबस के अंतर्गत आता है, यानी पाठ्यक्रम होगा। ऑप्शन बी इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से शिक्षा का कौन औपचारिक अभिकरण मनुष्य के जीवन में प्रबल है? सबसे महत्वपूर्ण भाग किसका आता है, मतलब कौन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, किसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, विद्यालय का कि परिवार का कि समाज का कि सभी का? देखिए पड़ता है, प्रभाव तो सबका है, लेकिन पूछा है सबसे प्रबल किसका पड़ता है, सबसे ज्यादा समय तक कहाँ बिताते हैं आप, मतलब एक स्टैंडर्ड तरीके से आप विद्यालय में बिताते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया था? आपको बताया कि मौलिक अधिकार का दर्जा आपको अनुच्छेद 21A में दिया गया है, कब दिया गया था, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको दिया गया था, शिक्षा को जो जिसमें क्या किया गया था, 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के अधिगम के लिए सबसे आवश्यक कारक क्या है? सबसे आवश्यक कारक क्या है? शिक्षण का, शिक्षक का शिक्षण, वर्ग कक्षा का वातावरण, बच्चों की तत्परता। देखिए सबसे अगर देखा जाए तो सबसे जो होगा वो तो बच्चों की तत्परता होगा, बाकी देख लेते हैं इसका ऑप्शन यही दिया है, देखने में तो सब सही लग रहा है कि वातावरण का भी, लेकिन कहा है कि सबसे आवश्यक कारक क्या है, तो ये थोड़ा सा जो सबसे आवश्यक दिया, इस वजह से इसका ज्यादा उपयुक्त जो आंसर है वो बच्चों की तत्परता है, मतलब ज्यादा तत्पर बच्चे होंगे तभी ज्यादा वो सीख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर सम्मेलन, दूर सम्मेलन, अब देखिए ये ज्यादा हिंदी में नहीं समझ आया तो इंग्लिश देख लीजिएगा, इसको कॉन्फ्रेंसिंग करके दिया होगा इंग्लिश। कॉन्फ्रेंसिंग क्या, कैसी प्रणाली है, दो तरफ प्रसारण का है, मतलब बाई डायरेक्शनल है कि मोनो डायरेक्शनल है कि दोनों है, जो दूर मतलब जो कॉन्फ्रेंसिंग होता है तो आपको पता है
कि उसमें दोनों तरह से, मतलब आप इधर से बोलेंगे वो उधर से बोलेगा, दोनों तरफ का आदान प्रदान होता है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कॉन्फ्रेंसिंग में ए, मतलब दोनों तरफ प्रसारण प्रणाली है। शिक्षक के लिए श्यामपट्ट पर लिखने का सही तरीका है, कैसे श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए, स्पष्ट और तेज लिखना चाहिए, या महत्वपूर्ण बिंदुओं को लिखना चाहिए, या पहले बातों को लिखना है और तब तो छात्रों को पढ़ने के लिए कहना चाहिए, या प्रश्न का उत्तर लिखना चाहिए, तो ये सही तरीका क्या है? अब देखिए इसका ऑप्शन तो दिया है वो सी, लेकिन मुझे इसका अभी पूरा सही से नहीं पता चल रहा है, क्योंकि ये भी है कि इसमें देखिए अगर इसके बारे में देखेंगे तो आपको ये भी मिलेगा कि स्पष्ट और मतलब तेज का तो नहीं मिलेगा लेकिन स्पष्ट लेना चाहिए ये मिल जाएगा, महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी लिखना चाहिए ये भी सही है, ये भी सही लग रहा है, लेकिन ऑप्शन इसका जो आयोग ने दिया है वो सी दिया है। बाकी आप इसको थोड़ा देख लीजिएगा अपने स्तर से, बाकी कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के अंदर, अगर मुझे लगा तो मैं अगले वीडियो में इसको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेट चार है, आपका तीन सेट खत्म हो गया, चौथा सेट है, मतलब आप 90 क्वेश्चन कर चुके हैं अब तक, अब लास्ट इसका ये है जिसमें 30 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो इसका पीडीएफ आपको मैं इसी का ऐसे जैसे इसमें है वैसे सेम टू सेम पीडीएफ बनाकर इसको आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ये यहाँ पे टेलीग्राम है @SUNDEEP_Academy63, ऐसे सर्च करेंगे टेलीग्राम पे जाकर तो वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो जाइएगा, इसका पीडीएफ ऐसे बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट जो क्लास आएगा उसका भी अपडेट वहीं पे मिल जाएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। हाँ, शिक्षण का स्वतंत्र चर है, अब देखिए ये अभी ऊपर मैं बता चुका हूँ, वहां पे जो था आश्रित चर दिया था, ये कौन निर्भर रहता है, अभी यहाँ पे दे दिया स्वतंत्र कौन रहता है, स्वतंत्र जाहिर सी बात है शिक्षक रहता है, ये डिपेंडेंट नहीं होता, ये इनडिपेंडेंट होता है, और ये क्या है, ये आश्रित है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण का सबसे चुनौतीपूर्ण पहलू क्या है, सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्टी किस बात पे होती है, प्रश्न पत्र तैयार करना, या शिक्षण को आनंदमय बनाना, या शिक्षार्थी का मूल्यांकन करना, अनुशासन बनाए रखना, तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सबसे जो महत्वपूर्ण पहलू है वो आनंदमय बनाना है शिक्षण को, और इसी पे जोर दिया जाता है कि शिक्षण को आप बोझ की तरह नहीं बना सकते हैं, उसको आनंदमय तरीके से ही आप बच्चों को पढ़ाना है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण का प्रभाव निर्धारित होता है विषय वस्तु के पूरा होने से, या शिक्षार्थी की रुचि से, या शिक्षण सहायक सामग्री के प्रयोग से, या अधिगम परिणाम से। देखिए प्रभाव का निर्धारण मतलब आप क्या पढ़ाए हैं इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, जैसे आप प्रिंसिपल आया आप साल भर में क्या पढ़ाए उसका निर्धारण वो कैसे कर पाएगा, तो देखिएगा कि आपका जो परिणाम आ रहा है जितना आप अधिगम कराए हैं, अधिगम मतलब लर्निंग कराए हैं, उसका परिणाम क्या आया उसी से वो निर्धारित कर पाएगा कि आपका शिक्षण का प्रभाव कैसा रहा, इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक के दृष्टिकोण से उद्देश्य है, मतलब उद्देश्य क्या है, उप विषय के विशिष्ट उद्देश्य की जानकारी, योजना का समय पर निष्पादन, क्रिया का निर्णय लेना, या उपरोक्त सभी, तो शिक्षक की दृष्टि से देखा जाए तो ये सभी सही है, तो उसको विशिष्ट उद्देश्य की जानकारी भी होनी चाहिए, उप विषयों की योजना का निष्पादन भी करना चाहिए, इससे अगर वो कहा जाए कि हाँ आज ये चैप्टर को पढ़ाना है तो वो निष्पादन उसको करना पड़ेगा, उतना करना पड़ेगा, क्रिया का निर्णय भी लेना पड़ेगा टीचर को एक खुद, तो ये टीचर के दृष्टिकोण से ये सभी सही है, उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही है। अब 105 फिर से देखिए आ गया, ब्लूम का वर्गीकरण, मैंने ऊपर बताया था इसको कि आपका ये भी पूछ सकता है कि ये किस सन में ब्लूम का वर्गीकरण, मतलब ब्लूम का टेक्सोनॉमी आया था, तो 1956 में आया था ब्लूम का वर्गीकरण, ये भी आपको ध्यान देना है। अब इसी में से देखिए क्वेश्चन ऊपर नीचे रिपीट होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिखाना और बताना, मतलब आप दिखाया भी रहे हैं श्यामपट्ट पर या कहीं भी, और बता भी रहे हैं, या फिर प्रोजेक्टर आप लगाए हैं वहां पर दिखा रहे हैं बता भी रहे हैं, तो ये किस विधि में होता है, ये होता है प्रदर्शन विधि में। व्याख्यान में क्या करेंगे, केवल आप लेक्चर देंगे, आप बोलेंगे और बालक सुनेंगे, तो वो व्याख्यान विधि होता है। प्रदर्शन में आप क्या करेंगे, आप दिखाएंगे भी जैसे प्रोजेक्टर पे होता है और बताएंगे भी उसको, तो ये प्रदर्शन विधि है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमन विधि, देखिए फिर ये निगमन आगमन ऐसे रिपीट होता रहेगा, ये किस पर आधारित है, परंपरागत पद्धति है, या प्रयोगात्मक पद्धति है, या खेल आधारित है, या मिश्रित पद्धति है। निगमन में बताया था कि ये बहुत पुराने समय से परंपरा, हम लोग जब पढ़ते थे 8-9 में तब भी ये चलता रहता था निगमन करने के लिए, कि कोई फार्मूला दे दिया और चलो इसका निगमन करो, कोई आपका प्रमेय दे दिया चलो इसका निगमन करो, तो वो क्या है, एक परंपरागत पद्धति है जो बहुत पुराने समय से चलती आ रही है, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। अब देखिए ह्यूरिस्टिक विधि देन है, ह्यूरिस्टिक माने होता है खोज विधि के नाम से भी इसको जाना जाता है, मतलब
जितना आप रिसर्च पर्पज से होता है वो उस विधि को ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि कहते हैं। तो इस ये किसने दिया था, मतलब किसकी देन है, ये स्पेंसर की या आर्मस्ट्रांग की, हर्बर्ट की, डीबी की? तो ये आर्मस्ट्रांग ने दिया था ह्यूरिस्टिक विधि, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन सब का भी थोड़ा नाम सर्च कर लीजिएगा, बाकी अगर आप बीएड किए होंगे सही से तो आप पढ़े होंगे इनके बारे में, सबके बारे में, जॉन डीबी, हर्बर्ट, हर्बर्ट का भी ऊपर नाम आया था, स्पेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे पाठ योजना की विशेषता है, मतलब आप लेसन प्लान बना, अब कोई अच्छा है तो इसकी क्या विशेषता होगा? पाठ की लंबाई, अच्छा का स्तर, लक्ष्य की प्राप्ति, या उपयुक्त सभी? देखिए, पाठ की लंबाई अगर ना भी समझ में आ रहा है तो कक्षा का स्तर के हिसाब से या पाठ योजना बनाएंगे, कक्षा 6 का है तो उसके हिसाब से, कक्षा 8 में जाना है तो उसके हिसाब से, 9 में पढ़ाना है तो उसके हिसाब से, और लक्ष्य की प्राप्ति का भी आप उसमें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये तो दोनों आपको सही लग ही रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें एक से ज़्यादा है तो उपरोक्त सभी होना चाहिए, पाठ की लंबाई भी होगा, ये सभी चीज़ें इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइव ई मॉडल, अभी देखिए ऊपर बताया था ये क्वेश्चन, फिर से आ गया एक पेपर में। फाइव ई मॉडल में कह रहा है कि इसमें से एक शामिल है, वहाँ पे देखिए कुछ और था, अब जाके आप देख लीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि एक शामिल है। अब फाइव ई मतलब तीन पाँच तो ई है, इसमें से क्या शामिल है? जाँच करना, मतलब यहाँ पे कहीं जाँच करना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। सहज करना, खुदाई करना, अन्वेषण, अन्वेषण माने होता है एक्सप्लोर करना, तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लोर दिख रहा है, इसे एक्सप्लोर। अब इसको देखिए, ऐसे क्वेश्चन को आप इंग्लिश में करके उसको देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे इंग्लिश में करेंगे यहाँ पे आपको एक्सप्लोर दिख जाएगा, और यहाँ पे साफ साफ आपको यदि याद है, इसको याद कर लीजिएगा पाँचों नाम, तो याद रहेगा, तुरंत आपको दिख जाएगा कि अच्छा एक्सप्लोर होता है उसमें, तो तुरंत लगा देंगे। ऐसे आपको हिंदी में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि ई से है तो आपको ये सबको ई से ही याद रखे रहिएगा, इंग्लिश में उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है, कहाँ उपयोग किया जाता है? माध्यमिक कक्षाओं में, प्राथमिक कक्षाओं में, शिक्षण प्रशिक्षण संस्था में, उपयुक्त में से कोई नहीं। सूक्ष्म शिक्षण माने माइक्रो टीचिंग जो है वो कहाँ उपयोग किया जाता है? तो आपको पता है कि जो प्रशिक्षण आपका होता है, आप बीएड कर रहे होते हैं उस समय आप खुद करते हैं इसको, तो ये किसके लिए? ये शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में होता है, ऑप्शन सी सही है। अभिक्रमित अनुदेशन में पाठ्य वस्तु का क्रम होता है मनोवैज्ञानिक या सारणिक? अभिक्रमिक मैंने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ये भी कई बार आ गया, आप देख ही लिया, अभी चार ही पेपर में, अभी ऐसे ऐसे अलग अलग जितने वीडियो आएंगे उसमें सब यही रिपीट होते रहेंगे, तो आप इसको केवल देख लेंगे, ये वाला सीरीज 4 से 5 वीडियो आएंगे इसमें, जिसमें पूरा आपका हो जाएगा, तो उतना में आप आराम से मतलब 30 में से 25+ आराम से कर लेंगे, आपको कहीं ना किताब लेने की जरूरत पड़ेगी ना कुछ। अब अभिक्रमित अनुदेशन में पाठ्य वस्तु का क्रम क्या होता है, किस किस आधार पर पाठ्य वस्तु बनाया जाता है? तो आपको जाहिर सी बात है मनोवैज्ञानिक स्थिति पर ही बनाया जाता है पाठ्य वस्तु, शारीरिक स्थिति को ध्यान में देखते हुए नहीं। ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अच्छा, शिक्षण पूरा होने के बाद क्या करना चाहिए? अब चलिए इसको वीडियो को रोक करके आप खुद बताइए क्या करना चाहिए। शिक्षा जब आप पढ़ा लिए हैं, पूरा हो गया क्लास, तो क्या करेंगे आप? श्यामपट्ट को किसी छात्र को साफ करवाना चाहिए, या शिक्षक को श्यामपट्ट साफ करना चाहिए, श्यामपट्ट को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, या कोई नहीं? तो आप छात्र से तो एकदम नहीं साफ करवा सकते हैं, उसको तो आपको अपना मालिक समझ के चलना है, अगर एग्जाम पास होना है तो उससे तो आप काम नहीं करवाएंगे कुछ, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, शिक्षक को श्यामपट्ट साफ करना चाहिए, ये सही है, अपना काम खुद कीजिए, खाया हुआ खुद धो के जाइए, श्यामपट्ट को वैसे ही छोड़ के नहीं जाना है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए, पढ़ने की अक्षमता के रूप में जाना जाता है, पढ़ने के मतलब जिसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा है उसको क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जितने इसमें दिख रहे हैं सभी ऑप्शन आपको इंपॉर्टेंट है। डिसलेक्सिया या डिसकैलकुलिया या डिसग्राफिया, तो पढ़ने में जिसको प्रॉब्लम हो रहा है उसको कहते हैं डिसलेक्सिया। डिसकैलकुलिया में आपको कैलकुलस, देखिए कैलकुलेटर आ रहा है, तो ये गणना से, आपको पता है कैलकुलेटर का होता है मैथमेटिकल गणना, गणितीय गणना जो है उससे संबंधित है, जिसको गणना करने में दिक्कत हो उसको डिसकैलकुलिया कहते हैं। और डिसग्राफिया, ग्राफ ग्राफ डिजाइन करना, लिखना, तो जिसको लिखने में दिक्कत है वो डिसग्राफिया, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं, मैं भी ऐसे याद किया हूँ, ग्राफ से लिखना, मतलब जिसको लिखने में दिक्कत हो उसको डिसग्राफिया, कैलकुलेटर कैलकुलेट करना मतलब गणना करना, जिसको गणना करने में मैथ का फार्मूला सॉल्व करने में दिक्कत है उसको डिसकैलकुलिया, और डिसलेक्सिया मतलब पढ़ने से संबंधित अक्षमता। बाकी इसको और देख लीजिए, एक और होता है डिसप्रेक्सिया, तो जिसको मोटर कोऑर्डिनेशन मतलब जिसके हाथ कांपते रहते हैं, वो लिख नहीं पा रहे हैं, तो वैसे जिसको प्रॉब्लम है उसको कहते हैं डिसप्रेक्सिया। इसका ऑप्शन क्या है? डिसलेक्सिया इसका हो जाएगा ऑप्शन में।
नेक्स्ट प्रक्रिया में कौन से घटक शामिल नहीं है? नेक्स्ट कह रहा हूँ, कक्षा प्रक्रिया में कौन से घटक शामिल नहीं है? कक्षा प्रक्रिया में क्या नहीं होता है? अपेक्षित अधिगम परिणाम, छात्रों के अधिगम का आकलन, शिक्षकों के कार्य का मूल्यांकन। और देखिए, कक्षा प्रक्रिया में शिक्षकों के कार्य का मूल्यांकन नहीं किया जाता है, वहाँ पे छात्रों से संबंधित ही चीजें होती हैं। तो ये ऑप्शन सी होगा, जो कि नहीं होता है कक्षा प्रक्रिया में। बाकी आप जो शिक्षक हैं उनके परिणाम क्या होंगे, अधिगम परिणाम, वो उस पर फोकस किया जाता है, छात्र ने कितना सीखा उसका भी आकलन किया जाता है, लेकिन शिक्षक का कार्य क्या रहा है उसका मूल्यांकन वो कक्षा प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं आता है। पुस्तकालयों में कार्य करने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। जो पुस्तकालय में रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं? लाइब्रेरियन कहते हैं। ये तो एकदम आसान है, अभिनेता नहीं कहेंगे, ये फिल्मों में काम करते हैं वो होते हैं, संगीतज्ञ जो होते हैं वो गायन से संबंधित होते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। बच्चों को किताबें चाहिए। कैसे किताबें चाहिए बच्चों को? गंभीर सोच कौशल को विकसित करने हेतु, या खुद को समझने हेतु, या दोनों? तो जाहिर सी बात है, किताब ऐसी होनी चाहिए जो सोच विकसित करने में सहायक हो और खुद को समझने में सहायक हो। तो ये दोनों इसका ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के बीच नैतिक मूल्यों का, मतलब एथिकल जो वैल्यू है, उसका प्रभावी ढंग से विकसित किया जा सकता है कब? जब शिक्षक अक्सर मूल्यों की बात करता हो, मतलब, या पहले पूरा पढ़ लीजिए ऑप्शन फिर देखते हैं, स्वयं उनका अभ्यास करता हो, महान व्यक्ति की कहानियां सुनाता हो, देवी देवताओं की बात करता हो। सबसे जो इसमें सबसे सही लग रहा है वो कौन सा है, कि जिससे कि बच्चों के अंदर नैतिक मूल्य का विकास हो सके, मतलब उनके अंदर एथिकल वैल्यू जो है वो डेवलप हो पाए। तो क्या करना चाहिए शिक्षक को? शिक्षक को केवल नैतिक मूल्य की बात करने से कुछ नहीं होगा, शिक्षक को खुद उनका अभ्यास करना चाहिए। मतलब बच्चे जो है शिक्षक को देख कर ही सीखते हैं, अगर शिक्षक खुद वैसा काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, तो बच्चे भी उनका अनुकरण करते हुए चलेंगे और वैसे ही काम करेंगे। तो ये सबसे ज्यादा उपयुक्त है ऑप्शन बी, स्वयं उनका अभ्यास करता हो यदि शिक्षक, तब बच्चों के अंदर भी नैतिक मूल्य जो है वो विकसित हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो, देखिए ये ऑप्शन रिपीट हो गया, ऑप्शन रिपीट नहीं, ये क्वेश्चन वैसे अलग पेपर में है। वैसे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय, मतलब कौन शिक्षक जो है छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं? जो अच्छे ग्रेड देता हो, अतिरिक्त शिक्षण शुल्क के साथ कक्षाएं लेता हो, छात्रों की समस्याओं को हल करने में मदद करता हो, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन, जो ज्यादा ग्रेड देगा वो ज्यादा लोकप्रिय होगा। आज के जमाने में तो ये भी हो जाते हैं लोकप्रिय, लेकिन आपको वैसे नहीं चलना है, आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड मैनर में चलना है। जो अतिरिक्त शुल्क लेता हो, अब ज्यादा पैसा लेके उसका क्लास ले रहे हैं, तो वो अभी नहीं लोकप्रिय होंगे। जो छात्रों की समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करते हैं, ये ज्यादा लोकप्रिय होंगे। ऑप्शन सी इसका ज्यादा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हो जाएगा, एक छात्र को गंभीर रूप से दंडित क्यों नहीं किया जाना चाहिए? मतलब उसको ज्यादा आप गंभीर रूप से दंडित नहीं कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं, या क्यों नहीं करना चाहिए उसे? छात्र अपने अध्ययन, शिक्षकों और संस्थानों के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित कर सकता है, ये तो सही लग रहा है। पहले आप बाकी भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। शिक्षक से झगड़ा हो सकता है, अभिभावक शिक्षक की शिकायत कर सकते हैं। तो देखिए, करने को तो ये सब कुछ होता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है, जैसे पॉजिटिव वे में लेकर चलेंगे, वो पहला ऑप्शन ज्यादा सही है, कि छात्र जो है अपने अध्ययन, शिक्षकों और संस्थान के प्रति नकारात्मक रवैया विकसित कर सकता है, इसलिए उनको ज्यादा गंभीर दंड नहीं देना चाहिए। चलिए, ये आ गया सी सी ई का अर्थ है। सी सी ई, अगर इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप इंग्लिश में करके सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से सीधे आपको इंग्लिश में मिल जाएगा इसका फुल फॉर्म ही। अगर हिंदी में देखेंगे तो सी सी, देखिए इंग्लिश में यहाँ लिखा हूँ, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन। ये किसने इसको दिया था? सीबीएसई के द्वारा ये प्रस्तावित था। इसने कंटिन्यूअस को सतत और व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। इंग्लिश में देखेंगे तो आराम से आपको मिल जाएगा, कंटिन्यूअस सी से एंड कॉम्प्रेहेंसिव इवेल्युएशन सी सी ई। देखिए ये है, दिस प्रपोजल वाज डायरेक्टेड अंडर द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट इन 2009 बाई सीबीएसई के द्वारा। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009, उसके अंदर ये दिया गया था, मतलब प्रपोजल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैधानिक परीक्षण का उपयोग में होता है, किसमें होता है? वैधानिक को और कहा जाता है मानक परीक्षण, यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, किसमें होता है मानक परीक्षण का? छात्रों को परेशानियों को पहचानने में, या छात्रों के ज्ञान के आकलन में, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन करने में, या उपयुक्त सभी? देखिए, स्टैंडर्डाइज्ड यानी कि मानक परीक्षण जिसे जो होते हैं, आप सबसे पहले अगर मानक जहाँ पे आ जाए या स्टैंडर्डाइज, तो आप इसे समझ के चलिए, दिमाग में आ जाना चाहिए आपके,
वार्षिक परीक्षा आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हाँ वो मानक परीक्षण होता है। अब उसको सोचिए, वार्षिक परीक्षा किस लिए किया जाता है? क्या छात्रों के परेशानियों को पहचानने के लिए किया जाता है? नहीं यार, चाहे उस समय तो चाहे छात्र बीमार है, चाहे कहीं उसका एक्सीडेंट हो गया है, फिर भी उसको एग्जाम देना ही है, तो उसमें कोई इसकी बात नहीं किया जाता कि छात्र का परेशानी क्या है। वहां पर सीधे आपको क्यों रहेगा, आप जाइए, पास हुए तो ठीक, नहीं हुए तो घर। तो ये तो आपको ये गलत हो जाएगा। अब छात्रों के ज्ञान का आकलन में, हाँ ये तो ज्यादा सही है, तो वहां पे सीधे सीधे उसका देखा जाता है कि उसके अंदर कितना नॉलेज है। जो आपका वार्षिक परीक्षा होगा वहां पे सीधे आकलन किया जाता है कि उसका कितना नॉलेज है, चाहे भले वो बीमार होके आए चाहे वो सही होके आए, उससे कोई मतलब नहीं है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का मूल्यांकन वहाँ नहीं किया जाता है कि आप वो किस तरह से सीखा है, वो सीधे एक ही दिन में पढ़ के गया है, नकल करके गया है, उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। वहां पे सीधे उसके आकलन किया जाता है ज्ञान का, तो ये भी प्रक्रिया से वहां कोई मतलब नहीं कि उसने कैसे कोचिंग करके कहीं किया है या केवल क्लास किया है या अपने से पढ़ा है, तो प्रक्रिया का कोई जिक्र नहीं होता है मानक परीक्षण में। यहाँ पे सीधे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकलनात्मक मूल्यांकन, इसी को समेटिव इवेल्युएशन या समेटिव आपका समेटिव इवेल्युएशन कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? समेटिव माने आपको फिर वही जो बताया, मानक, यही मानक परीक्षण है जो कि वर्ष के अंत में किया जाता है, जब शिक्षण प्रशिक्षण खत्म हो जाता है तब ये इवेल्युएशन किया जाता है। इसमें क्या इसका उद्देश्य है, छात्रों को अगली कक्षा में प्रोन्नति के लिए, ये तो सही अभी हो सकता है, पहले आगे का पढ़ लेते हैं। अधिगम कठिनाई को जानने के लिए, देखिए कठिनाई अभी भी इससे पहले जस्ट रिपीट किया था मैंने कि कठिनाई से कोई मतलब नहीं है, कि छात्र किस कठिनाई में है उसका इससे समेटिव से या मानक परीक्षण से कोई मतलब नहीं होता है, चाहे वो कितना कठिनाई में रहे उसको जाना ही पड़ता है एग्जाम देने। अधिगम प्रक्रिया के बारे में भी इसमें कोई जिक्र नहीं होता है, वो किस में होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में होता है, सुधार के लिए, जो कि शिक्षण के साथ साथ ही वो होता है, तो वो फॉर्मेटिव होता है। ये भी गलत, ये भी गलत। छात्र के अधिगम प्रक्रिया, प्रक्रिया इसमें भी आ गया, ये भी नहीं होगा, प्रक्रिया से नहीं। सीधे देखिए परीक्षा ली जाती है अंत में समेटिव इवेल्युएशन के तहत, कि वो अगर पास हुआ तो अगली कक्षा में जाएगा, फेल हुआ तो फिर उसी में पढ़ेगा, नहीं तो दूसरे स्कूल में जाकर नाम लिखा लेगा। तो चलिए ये तो रहा 123 नंबर, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, समेटिव और फॉर्मेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, आप पढ़ सकते हैं इसको, फॉर्मेटिव और समेटिव के लिए। फॉर्मेटिव में क्या होगा, ये ड्यूरिंग द लर्निंग प्रोसेस होता है, मतलब आप जब पढ़ा रहे हैं उसी समय ये असेसमेंट होता है। ये क्या करता है, ये मिड टर्म के अंदर भी अलाउ करता है टीचर को कि वो स्ट्रेटजी बना सकता है या कुछ भी, मतलब पढ़ाने के दौरान बीच बीच में ये करने वाला प्रोसेस है फॉर्मेटिव। इससे क्या होता है कि उसका इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, जो बालक है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, कुछ सुधार किया जा सकता है। ये और क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग मतलब जो टीचर हैं वो फीडबैक दे सकते हैं कि ये तुमने यहाँ गलती किया है, इसको ऐसे करो। ये जब आप पढ़ाने के दौरान ही करेंगे तो ये फॉर्मेटिव होता है। समेटिव में क्या होगा, ये इंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, मतलब सब पढ़ाई खत्म हो गया, साल के अंत में परीक्षा एक हो गया, वो समेटिव हो गया। वहीं ये केवल क्या, ये डिवाइड मतलब क्या पाने के लिए इसको किया जाता है, तो फाइनल इवोल्यूशन होता है कि आप किसना कितना वो नॉलेज गेन किया है या कितना स्किल गेन किया है, वो फाइनल इवोल्यूशन होता है, मतलब अंतिम ये निर्धारण होता है उसका। अब बाकी इसमें रैंकिंग भी डिसाइड किया जाता है इससे कि कितना रैंक आया उसका, बाकी ग्रेड भी डिसाइड किया जाता है कि कौन सा ग्रेड मिला उसको, तो समेटिव के ये सब निगेटिव पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्यचर्या विकास आधारित है, पाठ्यचर्या विकास किस पर आधारित है, दार्शनिक आधार पर, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक। तो राजनीतिक तो ऐसे हो जाएगा, पाठ्यचर्या से कोई मतलब नहीं है, राजनीति से उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी भी नहीं होगा जब ये गलत हो गया, तो मनोवैज्ञानिक आ गया और दार्शनिक आ गया। तो सबसे ज्यादा जो उपयुक्त इसमें है ये पेडागोजी का, जो अभी बताया था ऊपर, पेडागोजी का जिनको नॉलेज है, पेडागोजिस्ट, उनके आधार पर पाठ्यचर्या का विकास होता है, तो ये दार्शनिक आधार होना चाहिए इसका, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह विषय वस्तु अधिगम अनुभव तथा अधिगम गतिविधि को शामिल करता है, मतलब क्या चीज है जिसमें विषय वस्तु भी शामिल हो, अधिगम अनुभव भी शामिल हो और अधिगम गतिविधि भी शामिल हो, ये सब चीजें किसमें शामिल होती हैं, ये होता है करिकुलम के अंतर्गत, यानी कि पाठ्यचर्या के अंतर्गत। अगर केवल विषय वस्तु की बात किया जाए तो वो किसमें आ जाएगा, सिलेबस में आ जाएगा, ये यहाँ से आप अंतर कर सकते हैं, इसलिए मैं ऐसा डायग्राम बना दिया हूँ। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श विद्यालय की स्थापना कहाँ होती है, आदर्श विद्यालय की स्थापना जब आप पढ़े भी होंगे बीएड में, तो वहां पे आता है रविन्द्रनाथ टैगोर का बात, तो उन्होंने क्या किया था, आदर्श विद्यालय का डेफिनेशन दिया था कि का किस क्षेत्र में स्थापना इसका हो सकता है, प्राकृतिक क्षेत्र में, उन्होंने बनाया भी था एक जिसका नाम शांति निकेतन है, आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे इसे।
आदर्श विद्यालय की स्थापना कहाँ होती है? प्राकृतिक क्षेत्रों में, नेचुरल जो एरिया है वहां पर होती है। शिक्षा के अधिकार का तात्पर्य क्या है? क्या तात्पर्य है? अभी मैं इसको पहले ही बताया था कि शिक्षा का अधिकार में आपको क्या होता है, 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों में निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, जो किसके तहत तो आया था? 86 में संविधान संशोधन 2002 में आया था, किस आर्टिकल में है, मतलब किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21A में है। यहाँ पे लिख भी दिया हूँ, यहाँ से अनुच्छेद 21 से 86 संविधान संशोधन 2002, ये सब एग्जाम में आने वाले हैं। आपको घुमा फिरा के यहाँ सोचिए, एक तो ये मिल गया, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, दूसरा यहाँ से बन जाएगा कि किस अनुच्छेद में है, तीसरा कौन सा संशोधन था और किस ईयर में आया, ये मतलब 4 क्वेश्चन इसमें एक क्वेश्चन से ये बनेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब छात्रों को समूह में एक समस्या पर परिचर्चा करने का अवसर दिया जाता है तो अधिगम वक्र का क्या होता है? अधिगम वक्र माने लर्निंग कर्व जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, वो सीखा तो मतलब उसके लर्निंग प्रोसेस में बढ़ा या घटा? जाहिर सी बात है, अगर आप अवसर देंगे उसको चर्चा परिचर्चा करने के लिए तो उसका जो लर्निंग है वो इम्प्रूव होगा, बढ़ेगा, तो वक्र जो है वो बढ़ेगा, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगुआ फोन एक उदाहरण है। लिंगुआ फोन किसका उदाहरण है? देखिए यहाँ पे चित्र दे दिया हूँ, लिंगुआ फोन ये है, इसके ऊपर एक स्पीकर लगा है, तो स्पीकर लगा, जाहिर सी बात आप समझ सकते हैं कि ये कुछ इसमें से आवाज निकलती होगी, मतलब आप सुन पाएंगे कुछ। ये क्या है? एक श्रव्य सामग्री है। ये क्या है? एक श्रव्य सामग्री है, जो कि किसमें यूज होता है? जनरली भाषा के लर्निंग में इसका यूज किया जाता है, मतलब कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो आराम से ऑडियो आप सुनते रहिए उस भाषा का, तो ज्यादातर आप ये इफेक्टिव होता है, ये श्रव्य सामग्री है लिंगुआ फोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, हैंड्स ऑन सीखना, मतलब आप बच्चे जो है करके सीखते हैं तो वो क्या, इस तात्पर्य आपका अनुभवात्मक अधिगम है ये, या प्रेरणात्मक अनुभव है, या आधारित अधिगम है, या उपरोक्त सभी है? ये जो बच्चे खुद से करके सीखते हैं तो वो क्या उनको अनुभव मिलता है, ये है अनुभवात्मक अधिगम। तो चलिए इसका ऑप्शन ऐसा ही है, ये रहा आज का। अब उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट इसका जल्दी मिलेगा, तब तक के लिए देखते रहिए, धन्यवाद।